أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم. آج کا یہ پروگرام پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ ہدایت کار جناب آغا حسن عسکری صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, ان کی فنی خدمات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. اسی دوران جناب حسن عسکری صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جب حسن عسکری صاحب تشریف لائیں تو آپ تمام لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے حقیقی لیجنڈ ڈائریکٹر ہیں جناب حسن عسکری صاحب. حسن عسکری صاحب, میں ملتمس ہوں, ہمارے ناتوان ہیں شاہنواز رانا صاحب, وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے
कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार हूँ, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आप से है, मैं बेकरार हूँ, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सुबहानल्लाह। तमाम मौजूद मेहमानों ने ग्रामी की आमद का शुक्रिया। प्लीज स्टेज पे ये जो चहल पहल है अगर इसको थोड़ा सा बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस लोगों का प्रोग्राम की तरफ हो जाएगा। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हिदायतकार जनाब हसन अस्करी साहब के लिए सजाया गया है, और हसन अस्करी साहब दौरे हाजिर में इस वक्त जितने भी हमारे यहाँ हिदायतकार हैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त वो सबसे बड़े पाकिस्तान के डायरेक्टर माने जाते हैं, और आप तमाम लोग उनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में इनकी फिल्मों के हवाले से कुछ गीत भी हमने यहाँ पर कुछ सिंगर्स हैं वो पेश करेंगे, परफॉर्मेंसेस हैं। और तो आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये है कि तमाम मेहमानों ने ग्रामी के हम नाम लेके भी उनको वेलकम करेंगे, वो इसलिए कि आज के इस दौर में आप टाइम निकाल कर किसी प्रोग्राम में आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म और टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम जनाब राशिद महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। दौरे हाजिर में फिल्म बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, और फिल्म का प्रोड्यूसर इस वक्त इस इंडस्ट्री से भागा हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता लोग लेके आ रहे हैं, और नो डाउट द लेजेंड ऑफ मौलाजट के बाद अब थोड़ा सा सहारा मिला है कि शायद अब कुछ और भी फिल्में बन रही हैं, और आज ही एक और खुशखबरी भी मिलने वाली है कि दो फिल्में और बड़ी स्टार्ट हो रही हैं, वो भी आके उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है जो हमेशा हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरवीज व तरक्की में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने नुकसान और फायदे का कभी नहीं सोचा, और उनकी फिल्म अभी एक फिल्म थी तेरे बाजरे दी राखी, वो फ्लॉप हुई गोके, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे इंडस्ट्री को
तरोताजा रखने के लिए एक और फिल्म शुरू की जिसका नाम है सुपर पंजाबी। तो मैं जनाब सफदर मलिक साहब की खिदमात को भी बहुत सराहता हूँ, वो आज यहाँ आए। सफदर मलिक साहब, आपकी आमद का सर बेहद शुक्रिया। और हम तमाम लोग इंडस्ट्री के और तमाम जितने लोग हैं मीडिया, हम आपके साथ हैं, सफदर मलिक साहब के साथ साथ हैं इंशाल्लाह हमेशा। एक और नाम जो समझ लें कि मर्द बहरान है, गुज़िश्ता 10 सालों में मैंने देखा है कि ये बिल्कुल डटे रहे और फिल्में भी उन्होंने बनाई, गो के फिल्म इनकी फ्लॉप हुई लेकिन उसके बावजूद ये फिल्में बनाते रहते हैं और आइंदा भी अब फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब लाहौर वालों के बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, 8-10 नई फिल्में शुरू हुई हैं जिनमें एक इनकी भी फिल्म है और उनका नाम है चौधरी एजाज कामरान। तो सर बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में और रौनक बख्शी। इसी तरह से आज के जो मेज़बान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जनाब स्टार मेकर कहलाए जाने वाले जनाब जर्रार रिज़वी साहब, हम उनको वेलकम करते हैं। जर्रार रिज़वी साहब की खिदमात को मैं बहुत सराहता हूँ, आप सब सराहते होंगे, हर खुशी और गम में सबसे पहले जर्रार रिज़वी साहब नज़र आते हैं, तो ये इनकी एफर्ट्स हैं। हमारे नवीद बुखारी साहब हर दिल अजीज शख्सियत हैं, अलहमदा आर्ट काउंसिल थे और नवीद बुखारी हमेशा हमेशा इन्होंने काम किया है, वो चाहते हैं कि जी आर्ट और कल्चर के लिए वो काम करें। तो सर आपकी आमद का बेहद बेहद शुक्रिया और मैं तमाम जो लोग हैं उनका तारुफ कराता रहूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूरी समझूंगा कि आज के इस प्रोग्राम को सजाने के लिए जो टाइगर शाह साहब ने मेहनत की है, टाइगर शाह साहब ने आज का प्रोग्राम सजाया, तो भरपूर होनी चाहिए और इनके साथ नौरंगी ओपटन कॉस्मेटिक्स जो 100 साल खिदमात है इनकी, 100 ईयर से ये कर रहे हैं, तो उसके जो सैयद फवाद अस्करी साहब MD मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमेशा हमेशा ये लोग इन प्रोग्रामों को खासतौर पर शोबिज़ के हवाले से हमेशा ये सपोर्ट करते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह से सैयद जाफर अस्करी साहब, अस्करी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप MD हैं इस कंपनी के और हमेशा हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, शोबिज़ के प्रोग्रामों में आप नज़र आते हैं, आपका ताबुन वहाँ नज़र आता है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नौरंगी उपटन, नौरंगी क्रीम, संदल क्रीम, नौरंगी सोप और मुख्तलिफ जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो अपकमिंग है तो आने वाली है। तो ये तारुफ बेहद जरूरी था क्योंकि जो लोग चौबीस के साथ चलते हैं, फिल्म के इस दौर में उनके साथ चलते हैं, तो उनकी उनका गुफ्तगू करें। जनाब नबी बुखारी का आवाज आ रही? अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं एक ऐसे आफताब व महताब जो है फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर हसन अस्करी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में, इनके फन और इनकी शख्सियत के बारे में क्या क्या कहा जाए। वो तो ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, राशिद महमूद साहब, सफदर मलिक साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, जावेद साहब जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैदी जुल्फी साहब, जिनके साथ उनकी सुबह और शामें दिन रात हर लम्हे गुजरे और इन्होंने मिलजुल के फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी कि आज भी बहुत सारी उन फिल्मों को हमारे हमसाया मुल्क वाले कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो हसन अस्करी साहब का जहां तक ताल्लुक है कि मैं इनके बारे में एक बात अक्सर लोगों से कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे साइंसदानों में डॉक्टर अब्दुल कदीर की है कि एक सुलझा पढ़ा लिखा इंसान। कुछ यादें कुछ बातें मैं शेयर कर लेता हूं कि मुझे बड़ी हसरत थी क्योंकि मेरे भी मन में था जब हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को डूबता हुआ देख रहे थे तो बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ा तकलीफ होता है और फिर मैं भी सकाफत से एक मेरा ताल्लुक है, रिलेटेड हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी फिल्में बनाई जाए
जिसमें मैसेज भी हो, लेसन भी हो, और वो कम से कम टफ टाइम दे हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। आप ये देखें कि इंडिया से एक दौर था कि हम हर तरह से मईशत में और इस्तेहकाम में हर तरह से आगे थे, आज हम उनसे बहुत पीछे हैं। इकॉनमी में वो दुनिया की फिफ्थ बड़ा कंट्री है इस वक्त, और पाकिस्तान देखिए कहां डिफॉल्ट के करीब है, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। तो मैंने जब मेरे माइंड में आया वो क्यों इतना आगे बढ़े, वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके गए। सिर्फ और सिर्फ उनके पास उनकी फिल्म इंडस्ट्री थी, उनके आर्टिस्ट थे, मेहनत करने वाले थे, पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स थे, और उनकी इंडस्ट्री से आज वो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ पे बड़े ही अफसोसनाक पहलू है, बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पे हसन अस्करी जैसे, अल्ताफ हुसैन जैसे, ये जो हमारे सफदर मलक, राशिद महमूद जैसे, जिस तरह से इन्हें संभाल संभाल के रखना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने देखिए किसी भी कंट्री, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी सोसाइटी का जो फेस होता है वो उसकी सकाफत होती है, और सकाफत में सबसे ज्यादा शोबिज में जो अहमियत का हामिल है वो है फिल्म इंडस्ट्री। तो बजाय इसके कि इन लोगों को हर तरह से हुकूमती सतह पर वादों की हद तक नहीं है, इनका ना सिर्फ ख्याल रखा जाए, इनके साथ मीटिंग्स की जाए, जो भी आते हैं उन्हें अपना मान बढ़ाने का अपनी अपनी पड़ जाती है कि हमने क्या करना है, अपने केसेस कैसे माफ करवाने हैं, अपने असासों में इजाफा कैसे करना है। मुल्क डूब रहा है, फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है, अपनी सकाफत खत्म होती जा रही है, तो उसके लिए कोई भी नहीं सोचता। ये ब्रेन है, ये वो लोग हैं। देखिए हम जो आम आवाम है हम इनसे सीखते हैं। देखिए कोई सुपर हीरो आता है, कोई जैसे वहीद मुराद थे, लोग उन्हें कॉपी करते थे, शाहे साहब थे, नदीम साहब थे, उन्हें कॉपी करते थे, इसी तरह सिंगर्स हैं उन्हें कॉपी करते हैं। अगर कल को कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएगा वो हसन अस्करी साहब को, अल्ताफ हुसैन साहब को कॉपी करने की कोशिश करेगी। तो लोग जो है फिल्मों से अपने आप को, अपने स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, वादे हैं, दावे हैं। अगर कोई इस मुल्क से मुखलस कोई रहनुमा आ गया, कोई कायद आ गया, वो इन लोगों को बुलाएगा, इनसे आइडियाज लेगा, इनसे पूछेगा कि यार हमें बताएं कि हम क्या करें। जी प्लीज, जी नमस्कार। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब जुल्फकार अली माना साहब तशरीफ ले आए हैं, प्लीज उनका भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। चले बस आखिर में मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे। मेरी खुशबख्ती है कि जब मैंने ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दर्द की कसर को अपने दिल की धड़कनों में महसूस किया, तो हाशमी साहब मैंने सबसे पहला रब्ता हसन अस्करी साहब से किया। मैंने इसके साथ मीटिंग्स की एवरग्रीन स्टूडियो में भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ये कोलीग भी है, मेरे साथ इन्होंने 4-5 साल हमने इकट्ठे काम भी किया है अपनी परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमी के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मैं आपके लिए उतना नहीं बोल सकता, आपके लिए जितना भी बोला जाए कम है, आपके ऊपर जितना लिखा जाए वो कम है। आपने इस मुल्क को बहुत दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे मीडिया के आपकी विसासत से ये रिक्वेस्ट करूंगा अरबाब इख्तियार को कि खुदारा जिन लोगों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है आप कुछ ना कुछ ना जरूर दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब नवीन बुखारी साहब, और आपने जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला, और आप हमेशा फन की खिदमत यूं ही करते रहे। जुल्फकार अली माना साहब तशरीफ ले आए हैं और हम उन्हें वेलकम करते हैं कि आज जनाब हसन अस्करी साहब के लिए वो यहाँ तशरीफ लाए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हमेशा फनकारों और हिदायतकारों और जितने भी तकनीककार हैं उन तमाम लोगों के लिए इस तरह की तकारीर उनकी जिंदगी में अगर सजाई जाए तो वो बहुत बेहतर होता है। और इस एक ये आज एक तसलसल है जनाब हसन अस्करी साहब का ये प्रोग्राम। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आजकल जिनका बड़ा चर्चा है, उनकी फिल्म का बड़ा चर्चा है,
द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त उसने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ है और 250 करोड़ पे वो पहुंच रही है। और मैं ये समझता हूं कि जी पाकिस्तान की ये वाहिद फिल्म है कि जिसने इंडियन फिल्मों को बिल्कुल चारों खाने जीत किया पूरी दुनिया में, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो बिलाल लाशारी को और उनकी जो प्रोड्यूसर है हमारा हिकमत और जितनी उनकी टीम के लोग हैं उनको जाता है। उन्हीं का एक और इस फिल्म की खास बात यह है कि ये पूरे इंडिया में 1100 सिनेमाज में ये 23 तारीख को लगने जा रही है। अब आप ये सोचें कि जब ये 1100 सिनेमाज में बाहर रिलीज होगी तो हमारे यहाँ की फिल्म वहाँ लगने का एक माहौल बनेगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो भी लोग हैं और उनके जो एक राइटर हैं, पोइट्री राइटर हैं, जिन्होंने जब स्टार्ट पहला टीजर आया था तो उसकी जितनी भी कमेंट्री थी तो उसको उन्होंने तहरीर किया और एक सॉन्ग उसके अंदर है बड़ा खूबसूरत था जो चाइना की एक फिल्म से माहूस होके लिया गया था। वो गो के उसके पीछे बैकग्राउंड पे म्यूजिक नहीं था लेकिन वो इतना खूबसूरत लिखा गया कि आज वो सुपरहिट है। तो उसके राइटर हैं हमारे बहुत ही मोहतरम, फिलाक से भी उनका ताल्लुक है, जनाब खाकान हैदर गाजी साहब से मैं मुंतमिस हूँ कि वो आए और हसन अस्करी साहब के हवाले से बात करें। बहुत शुक्रिया शंकर साहब। मैं अपना पंजाबी का एक शेर जो है वो हसन अस्करी साहब के नाम बताने से पहले तमाम साहिबान जो इस वक्त तशरीफ रखते हैं, राशिद नंगू साहब, सफदर मलिक साहब, चौधरी इजाज़ कामरान साहब और मोहतरम साहब साहब बैठे हैं, और नाम मैं स्किप कर रहा हूँ वहीं से, अल्ताफ़ हुसैन साहब बैठे हैं और जुल्फ़कार माना साहब, जनेब दर्रा साहब, हाजी साहब और दीगर तमाम दोस्त हैं, सबको मैं आज के इस प्रोग्राम में जी आई कहता हूँ और इस शेर के साथ हसन अस्करी साहब से बात करता हूँ कि वर्यों वर्यों पहलो भोग लए ने वर्यों लम्बे रोग, वर्यों पहला भोग लए ने वर्यों लम्बे रोग, होर सदी में आ गए असी होर सदी के लोग। तो अस्करी साहब असल में किसी और सदी के आदमी हैं। अस्करी साहब के बारे में ये कहना कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कह सकता हूँ क्योंकि जिसको देखा होता है, जिसको सुना होता है और जिसको बंदा थोड़ा सा जान जाता है उसके बारे में कुछ कह सकता है। मैंने इनके साथ बसंती फिल्म की एज ए राइटर भी और एज ए लिरिसिस्ट भी, और उसके बाद दिल पराए देश में और अभी जो इनकी रिसेंट मूवी आ रही है उसमें भी मेरे गाने हैं। चांद चेहरा उसका भी फाइनल नाम तो सामने आएगा क्या हो। अस्करी साहब एक सिर्फ डायरेक्टर नहीं है या बहुत सीनियर डायरेक्टर नहीं है या तमाम डायरेक्टर में से बहुत ही काबिल डायरेक्टर नहीं है। अस्करी साहब एक इंस्टीट्यूट है, अस्करी साहब एक अदारा है। हम लोग अस्करी साहब के साथ बैठ के जो बातें करते हैं ना, उन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि जो बंदा किसी सिर्फ एक हैसियत का हामल होता है ना, उससे सिर्फ हमें एक पहलू का पता चलता है। लेकिन अस्करी साहब के पास मैं जब भी बैठा हूं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनकी बातों से, और ही इज अ वेरी मच वेल रेड डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और इनसे ज्यादा वेल रेड डायरेक्टर मैंने बहुत कम देखा है। जितनी फिल्में उनके पीछे कोई नॉवल है, इनकी जितनी फिल्में उनके पीछे भी इंग्लिश नॉवल है। इनकी अगर वैशी जट देखें तो उसके पीछे गंडासा है, उसके पीछे बलवंत का करेक्टर भी मौजूद है, उनका भी किरदार यानी लिटरेचर से भरपूर है। दिलीप साहब का मैंने एक दफा इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने से किसी ने सवाल किया उनसे कि फिल्म क्यों हमारी फ्लॉप हो रही है, क्यों फिल्म आजकल अच्छी नहीं बन रही। उन्होंने कहा इसलिए कि उसके पीछे लिटरेचर नहीं है, उसके पीछे अगर बड़ा लिटरेचर होगा तो फिल्म बड़ी बनकर सामने आएगी। तो अस्करी साहब की मैंने देखा है कि जब भी इन्होंने कोई फिल्म बनाई है तो उसके पीछे लिटरेचर मौजूद है।
उसके पीछे कोई नावल है, कोई बड़ी कहानी है। बाकी ये दोस्तों ने जो एहतमाम किया है, शाकर साहब हैं, यस हमारे लाहौर के जितने साफी हैं, ठाकर साहब हैं, और ये जो एसोसिएशन है जंजीर न्यूज वालों की, इन्होंने सर एक माहौल बना दिया है। जैसे जैसे ये फंक्शंस होते हैं, आप लोग मुख्तलिफ फंक्शंस में आते हैं, किसी के रेफरेंस पे आते हैं, किसी की बर्थडे पे आते हैं, ये एक थीसिस डिवेलप हो रहा था इन फंक्शन से। असली साहब मैं समझता हूँ कि एक एंटी थीसिस निकला है। अब इस एंटी थीसिस से एक सिंथेसिस बनने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो जाएगा। हम बहुत करीब हैं कि इस रिवाइवल के करीब पहुंच गए, क्योंकि ये सिंथेसिस बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि इनमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारे कल्चर के साहबियों का, हमारे लाहौर हो या कराची हो, इन सब साहबियों ने आप तमाम आर्टिस्टों के साथ बहुत सी महफिलें की हैं, बहुत से फंक्शन सजाए हैं, जिससे ये सिंथेसिस की तरफ चला गया है। और असली साहब आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बड़ी लंबी जिंदगी, सेहत के बारे जिंदगी दे, और आप इसी तरह फिल्में बनाते रहें, और हम आपको इसी तरह आपकी फिल्में देखते रहें। आप एक बहुत बड़े इंसान और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब काका हैदरलाजी साहब। तकरीब जिस तरह जो जो आगे बढ़ रही है, तो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, सितारे हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो आ रहे हैं गाहे पगाहे। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक डायरेक्टर हैं और सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने बनाई हैं, जनाब मसूद भट्ट साहब को हम वेलकम करते हैं। मसूद भट्ट साहब, थैंक यू मसूद भट्ट साहब, आपकी आमद का बेहद बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जनाब सुहेल मलिक साहब, मुमताज मलिक साहब दोनों मौजूद हैं, और आई थिंक राहिल मलिक साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों की आमद का शुक्रिया। और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और हसन अस्करी साहब की जो एक बायोग्राफी है, वो अभी हम उसको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे जो उनकी फिल्में हैं। उससे पहले एक सपासनामा है, या आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? मैं जर्रार रिजवी साहब से मुल्तवस हूँ कि वो आए और जर्रार रिजवी साहब के जो फिल्मी जिंदगी है उसके हवाले से बात करें। जर्रार रिजवी साहब, आज के चीफ गेस्ट प्रोसेसन के चेयरमैन जनाब जफर माना साहब, और हमारी इंडस्ट्री के जितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार, टेक्नीशियंस, और जो हमारे दूल्हा हैं जनाब हसन असगरी साहब, और तमाम मिसाल में बैठे हुए मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर जनाब हसन असगरी का नाम किसी तारुफ का मोहताज। आज इस फिल्म डायरेक्टर के लिए सजाई तकरीब का मकसद इनकी फनी जिंदगी को खराज तहसीन पेश करना है। आगा हसन असगरी साहब 1945 को सियालकोट में पैदा हो गए, 1966 में ग्रेजुएशन किया, डिग्री कॉलेज के फॉरेन मैगजीन में बतौर एडिटर अपनी खिदमत अंजाम दी। आगा हसन असगरी साहब बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। फिल्म का स्क्रिप्ट कैसे तैयार किया जाता है ये जानने के लिए स्टूडियोज का रुख किया। इस जमाने में फिल्म के बारे में पढ़ाने जाने का कोई रिवाज नहीं था, कोई अकेडमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं, इस पाकिस्तान में प्रतिनिधि थे। 1962 में डायरेक्टर एम हाजिक के साथ काम करना शुरू किया। इनके साथ काम करके मालूम हुआ कि डायरेक्टर एक खुद मुख्तार शख्सियत एक शख्स होता है। इसके लिए डायरेक्टर बनने का उसी दिन से आगा हसन असगरी साहब ने डायरेक्टर बनने का ठान लिया, और फिर डायरेक्टर बनने की कोशिश जदोजहद करना शुरू कर दी। 1970 के वसत में बतौर डायरेक्टर फिल्म खून पसीना शुरू की।
जो अदाकार सुधीर बीमारी और ढाका फॉल की वजह से फिल्म दाखिल का शिकार हो गई और बाद में रिलीज की गई। 1975 में अहमद नदीम कासिम के नोवेल पर मबनी मूवी वैशी जट बनाई और मौला जट का लाफानी किरदार तख्लीक किया है। यह ट्रेंड सेटर फिल्म साबित हुई और बहुत से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसी तरह की फिल्में बनाते गए और आज भी लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई गई। 1976 में उर्दू फिल्म सलाखें बनाई जो एक क्लासिक फिल्म कहलाई। आज भी ये फिल्म हमेशा डिस्कस की जाती है और आज भी डिस्कस की जा रही है। हसन असगरी साहब की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्में दोनों जमानों की फिल्मों की डायरेक्शन दी और एक नुमाया मुकाम हासिल किया। दो मरतबा नेशनल अवार्ड से हासिल किए। इसके अलावा मुतद बाद कई अवार्ड से नवाजा गया। हसन असगरी साहब मुख्तलिफ और मुनफरिद मौजूद पर फिल्म बनाने वाले अपनी मिसाल आप हैं। आजकल भी फिल्म बना रहे हैं जिसे शायकिन फिल्म आने वाली ईद पर देख सकेंगे। प्रोग्रेसिव जहन के मालिक आगा हसन असगरी की यूं तो हर फिल्म एक से बढ़कर एक है, लेकिन खून पसीना, सरदर्दी बाजी, तूफान, मेला, वैशी जट, सलाखें, दुनिया बेकरार, तेरे प्यार में और जन्नत की तलाश ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देखकर इनकी जहानत और मयार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये सितारा हमेशा यूं ही चमकाता रहे। आमीन। और जनवरी में एक बहुत बड़ी फिल्म हसन असगरी साहब शूट करने जा रहे हैं जो जिसके प्रोड्यूसर हैं चौधरी जुल्फिकार अली माना साहब। थैंक यू। है और वो चाहिए थे। प्लीज आप लोग अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। आप तमाम मेहमानाने ग्रामी से मैं मुल्तमिस हूँ कि अपनी सीट से तशरीफ रखें और आप लोग अगर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ सीट खाली है और कोई बात नहीं अगर कोई ऊपर नीचे बैठ जाए, लेकिन थोड़ा सा प्लीज आप लोग ऊपर सीढ़ियों पर चले जाएं, वहां पर सीट्स मौजूद हैं, वहां तशरीफ रखें। हसन असगरी साहब, मैंने जैसा कि कहा कि हमारे जो इस प्रोग्राम के मुंतजिम हैं जनाब टाइगर असगरी साहब की मोहब्बत में इस कदर लोग तशरीफ लाएंगे, तो टाइगर शाह साहब से थोड़ी बहुत 19-20 जरूर अगर कोई कोताही है तो माफ कीजिएगा, लेकिन टाइगर शाह साहब के लिए मैं चाहता हूं कि भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए टाइगर शाह साहब के लिए। आज के इस पूरे प्रोग्राम के वो मुंतजिम है टाइगर शाह साहब। आप लोग तशरीफ रखें तो हम इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जरार रिजवी साहब प्लीज थोड़ा सा लोगों को अपनी अपनी नशिस्तों पर और नशिस्तों पर बैठाएं। राशिद महमूद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि प्लीज तशरीफ लाएं और आगा हसन असगरी साहब के हवाले से बात करें। राशिद महमूद साहब, ये जो आज फिल्में बन रही है आगा हसन असगरी ने जैसे गालिब 200 बरस पहले की शायरी उस दौर में कर गए और आज हम कहते हैं आगा हसन असगरी ने आज की फिल्म उस कई तिहाइयों पहले बना दी थी। हम बड़े बेमेहर लोग हैं, ये जो दिनारे सुख की दौड़ है उसने हमें बहुत बर्बाद किया और इस हद तक बर्बाद किया कि हमारा सारा मुल्क जो है वो घुसपैठ के उसे भर गया है। कतील साहब का एक शेर आपकी नजर करूंगा। आगा साहब आपके लिए, आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं ये शेर, मैं बताऊंगा उसे खाबा साहब, कतील साहब का एक शेर है, मैं बताऊंगा उसे जख्म की लज्जत क्या है, फूल का मुझसे तारुफ तो कराया जाए।
मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर और मुताबिक उनके क्रेडिट पे सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। मैं जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और हसन अस्करी साहब के हवाले से बात करें। अगर ये आपको अल्लाह बड़ी कामयाबी दे, मेरी दुआएं हैं, आप हमारे साथी हैं और मैं अपील करूँगा हुकूमत से कि प्लीज चंद एक लोग रह गए हैं सवाल प्लीज मेरे सिखा लीजिए, अगर आप सिखा सकते हैं वरना ये सारा भी खत्म हो जाएगा और हमारा हिस्से निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैडम सुग्रा सदफ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इस ब्लॉक में बड़ी रौनक है और मैडम सुग्रा सदफ के लिए भरपूर तालियां, भरपूर तालियां। मैं मुल्तमिस हूँ मैडम सुग्रा सदफ से कि प्लीज वो आए और हसन अस्करी साहब के हवाले से बात करें। मैडम सुग्रा सदफ। अच्छा, मैं अपनी बहन के लिए कहना चाहूंगा कि लाहौर में ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो वक्तन फवक्तन इस तरह के जो जिसको कहना चाहिए कि प्रोग्राम होते हैं उन्हें सजाती रहती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिला मुआवजा जो है वो भी हमें ये हाल जो है ये मैसर आ जाता है और ये क्रेडिट जो है ये सुग्रा सदफ जी को जाता है, तो उनके लिए एक मरतबा जो तालियां हैं हाँ वो भी होनी चाहिए। पैसे भी वसूल कर लेती हैं लेकिन ये है कि अक्सर बेशतर ये होता है कि जब अगर हम कहें उन्हें तो वो ये भी मान जाती है कि चले कोई बात नहीं आप कर लीजिए, आइए आप। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो और एडी सोनी रौनक लगी है, बड़ा दिल खुश होता पे। असर अस्करी साहब वो बैठे ने ते बड़े बंदे ने, असि इन्होंने सलाम ही पेश करने हैं, सारे बड़े लोग बैठे ने, सारी लाइन लगी है ते तुसी जिंदे रहो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे। असि ते हमेशा FM 95 ते जिहड़ी भी फिल्म बनती है असी कहने कि सानू ओदा प्रोमो दो, असी बिल्कुल बगैर पैसों तो ओदी प्रमोशन करिए क्योंकि पंजाब फिल्म बने, पंजाब के लोगों को कारोबार मिले ते पंजाब की जबान भी तरक्की करे, पंजाब के गुलकार फनकार अदाकार सलामत रहो, बहुत दुआ, बहुत शुक्रिया। एक गीत हम सुनना चाह रहे हैं और जर्रार रिजवी साहब ने हमें बताया कि वो गीत अनवर रफी साहब के जो साहबजादे हैं रक्षान अनवर रफी, तो प्लीज़ वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कहीं हैं फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं रक्षान साहब, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं और इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियों की गूंज में रक्षान रफी। जब तक रक्षान जो हैं वो अपने म्यूजिशियन को कुछ बताएं कि वो क्या गा रहे हैं, मैं चाहूंगा तनवीर मलिक साहब हैं हमारे मीडिया एडवाइजर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। फोलम खान हैं के सीईओ ग्रीन एप्पल के, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। शफीक रजा हैं, फैज मलिक, आमिर मलिक, जलीलुर रहमान कमर और नसीम हैदर शाह साहब फिल्म डायरेक्टर हैं आप, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम लोगों को हम इस खूबसूरत महफिल के अंदर खुशामदीद कहेंगे। जी मेरे बाद
आप सबकी तालियों साथ चाहूंगा। किसी खुश नसीब का ये माना तुम पे किसी खुश नसीब का दिल है तुम्हारे बस में मगर एक गरीब का दिल है किसी गरीब के दिल को ना बेकरार करो किसी गरीब के दिल को ना बेकरार करो मिलन करीब में थोड़ा सा इंतजार करो मेरी वफा मेरे वादे एतबार करो एतबार करो एतबार करो थोड़ा सा चूके बोरियत सी हो रही थी तो मैं चाहूंगा आपकी बोरियत जो है वो खत्म की जाए। मैं बुलाने लगा हूं आजाद की शायरी के लिए रुखसाना मुल्तानी जनाब क्या खूबसूरत वो रक्स करती हैं और एक पाकिस्तान के मशहूर गीत के ऊपर आप उनका रक्स जो है वो देखेंगे तो आपकी तालियों में तशरीफ ला रही हैं रुखसाना मुल्तानी
गुफ्तगू के मामले को भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और मेरी निगाहें इस वक्त पाकिस्तान के एक लेजेंड के ऊपर बिल्कुल मरकूज हैं। मैं चाहूंगा कि उनको यहाँ पे बुलाऊं, आप तालियां बजाएंगे और बताएंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब सैयद नूर साहब से कहूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हसन अस्करी साहब के हवाले से अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। ये जितनी बड़ी शख्सियत है यार, मैं बार बार क्यों कहे चला जा रहा हूं, है बहुत सारी तालियां। शाह साहब आइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत ही जबरदस्त महफिल और मेरे बहुत ही प्यारे सीनियर की महफिल जिनसे हमने सीखा और आज तक सीखते आ रहे हैं। एक रक्स अभी हुआ यहाँ पे और उस रक्स को खान साहब ने मुजरा बना दिया। जितनी डिग्निटीज यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने बोलना है और जिन्होंने सुनना है, उनके शायन शान होने चाहिए। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन मैं अभी सिर्फ वहाँ जाके हसन अस्करी साहब को सलाम करूँगा, उनको अप्रिशिएट करूँगा और चला जाऊँगा, उनके बोलने का मौका नहीं। बहुत शुक्रिया। जी अभी आपने जाना नहीं है, शाह साहब के लिए शील्ड है और हम उसे पेश कर रहे हैं। ये शील्ड आपको बताएगी कि आप जो मर्जी करो, फोन नहीं रोकना। आगा जी को देखिए, आगा साहब को बोलने की इनके बारे में जरूरत नहीं, सब कुछ देखा है और कितना जबरदस्त इनका काम था। एक एक शॉट, एक एक सीन जो बुनियाद रखी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छे काम की और उसको फॉलो किया हम जैसे लोगों ने। और इसकी ये इनके बारे में बोलने से ज़्यादा इनकी चीज़ें देखने के काम। जनाब मैं अब एक बहुत खूबसूरत जोड़ी को यहाँ बुला रहा हूँ जो कुछ लम्हे के लिए आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरेगी। ताहिर नौशाद मुझे नजर आ रहे हैं, शाहिद अली खान नजर आ रहे हैं। ये दोनों फनकार वो हैं कि जब ये स्टेज पर होते हैं तो उदास चेहरे जो हैं उनके लबों पर भी मुस्कुराहट जो है वो आ जाती है। आज खुश होने का दिन है, अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हल्की हल्की मुस्कुराहट से वो आने वाले का इस्तकबाल कर रहे हैं और हम बहुत सारी दुआएं आपके लिए दे रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और आपका काम जो है वो भी सदा सलामत रहे। और ताहिर मोशा साहब और शाहिद साहब आइए जी, तालियां जी। ठीक है, खुदा की कसम इन्होंने कह दी है कॉमेडी, जेडे लोग बैठे ने उन्होंने सामने क्लोज है ना, बड़ी गल है कॉमेडी तो बहुत दूर की गल है। साडे जिन्ने भी माशाल्लाह लीजेंड ने इन्होंने एक ऐसी क्लैप हो गई कि तबीयत फ्रैश हो जाए सारे जेडे मेहमान आए। और मेरे मुताबक हसन अस्करी साहब वास्ते भी और जिन्ने साडे सीनियर जिन्ने डायरेक्टर राइटर व्हाट्सएप बैठे ने मड़ाए साहब सारे सैयद बादशाह और साडा पहले नंबर दिते इन्हों सलूट है क्योंकि इन लोगों का यह हक बनता कि असं इन्हों सलूट करिए। सर क्या
क्योंकि इन्होंने साडे मुल्क का बड़ा नाम किया और बड़िया अच्छी अच्छी फिल्म बड़ा अच्छा काम दिता। देखो ना टिकटा लैके जिन्होंने असं आप देखे साढ़े सामने बैठे ने बेशक ना चलते सन राइटर हसन अस्करी साहब ते अज उन्होंने शाम चाहे सर सची मुची असं बात उन्हीं लोग हाँ लेकिन इस वे कोई समझ नहीं आ रही सानू सब तो वही गल के असी हसाना नहीं चाहते क्योंकि सदली ये खुशी है कि चलो एक एक दो दो गल कर लो कर लो पिछे अगे तो सारे सियाने ब्याने बैठे ने पिछे न्याणे ब्याने भी बैठे चलो कर लो जनाब करो तुसी थत्थे हो करो जनाब अच्छा क्लैप तो करो पता लगे तुसी पिछले सुना जाते हो तुसी हिम्मत दबोगे ना तो अगे तो बस तुहानू की दसीए की दिल च चल रहा है आ वाकई सही गल है दुनिया तू तो कर ले कोई गल जिंदा दुनिया का बेवकूफ तरीन शख्स है दरिया के किनारे बह के दरिया च वटे मारन दिए पानी थम थम बिच डड्डू निकला है कहना मामा अंदर आ तेरी बोरी दूर करा और निके मुंडे का सिर पाड़ दिता है तालियां भरपूर तालियां जी। वैसे शाहिद खान साहब तुहानू इस गल का पता है जी जी के इतने जिन्हें भी लोग आए ने सारे फिल्म इंडस्ट्री के मुंसलिक ने सिर्फ मैं तो तुसी नहीं क्योंकि असं स्टेज वाले फनकार हाँ स्टेज वाले फनकार का सिर्फ इन्ना काम है कि असं इन्हों सलाम करिए और हाजिर लवाइए तो जाइए असं इन्हों हसाने वास्ते नहीं आए जी ना असं हसा सकते हैं असं इन्हों के अगे आके खलोंगे हैं साढ़े लिए सब तो वही ये गल बड़ी मेहरबानी थैंक यू बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया हाजिरी लगे टाइगर शाह साहब ने प्यार ना बुलाया सी जी हाजिर हो गए नहीं मुझे आपकी कैफियत का अंदाजा है मुझे लगता है कि आप घर से ही झाड़े खाकर आए क्योंकि यहाँ आने के बाद तो आपको बोलना चाहिए था शाहिद अली खान लेकिन मुझे लग रहा है आप घर से ना बहुत कुछ सुनकर आए हैं क्योंकि आपने बच्चों की फीसों के पैसे भी नहीं दिए बिजली का बिल भी आया हुआ है ये सारी चीजें जो है ना जब आपसे तलब की गई हैं तो यकीनन आपका हासा तो खत्म हो जाना चाहिए तुसी राणे हो तुहानू की पता होवे राणा बनना केड़ा मुश्किल है दो महीने टका के झूठ बोलो राणा तैयार हो जाता है तालियां कितने ने होना अब ये मेरा पिछला प्रोग्राम शुरू मैंने जानबूझकर ये अपने से किया है कि आपके चेहरों पर तो कम से कम हंसी आए ये तो बेचारे बहुत जी राणा साहब ने राणे जी यह जो बंदा ना शादी के कहने मेहमान जा रहे होंगे तो उन्होंने ठहरो भी मेरा डांस तो देखते जाओ क्या हो गया और ऐसे बंदे जो होते हैं वो पीछे रो रहे होते हैं यार मेरी बारी नहीं है राणा साहब राणा भी अपना ही है अपना ही है राणा साहब ये राणा नहीं है बीबा राणा है जी मैं शाहनवाज राणा हूं मैं राणा सनाउल्ला नहीं जी राणा सनाउल्ला बनना भी नहीं तो पंजी वाला केस तुहाडे ते पै जाना जी मुड़ के जो जेल रो रो के कह मैं राणा नहीं है अच्छा कली कौम राणा ने अल्लाह मियां ने पाकिस्तान जेड़ी भी कौम दी ना वो बबर शेर कौम दी मान अल्लाह मियां ने पाकिस्तान जट दिते कोई जट है तो हथ खड़ा करे वाह वाह पाकिस्तान की बबर शेर कौम जट ये रजे होने तो कुटन लग पे भुखे होने तो लुटन लग पे अल्लाह मियां ने कौम दी सानू शेख हाँ हाँ अल्लाह मियां ने कलम तोड़ता कि इस तो कंजूस कौम मेरे को नहीं बन अमान ना शेख साहब को मैं पूछे सच्ची पूछी मुर्शद एक ना स्टेज वाली कुड़ी था ना शेख सनियारे ना तू तो शेख सनियारा तो फैसला बात है उन जाके नहीं मुझे चेन गिफ्ट करे ना मैं जब भी पहनूंगी मुझे आपकी याद आएगी शेख अगो खोचल पार्टी वो कहना तू इंजी याद कर ली ना मैं मंगी सी उन्हें दी नहीं लेकिन एक कौम ऐसी नहीं है जिन्होंने कंजूसी शेखा के गिरे मांच लिया गुजर बनना भी कोई मुश्किल नहीं सत दिन ना होना गुजर तैयार गुजर ने 50,000 का सूट पाया होगा कुछ जराबा ला अंगूठे चेना गगोया जरूर फसिया लो जी बड़ी मेहरबानी एवं दो चार गल्ला तो कर रही बहुत शुक्रिया मून परवेज किधर है मून परवेज आ रही है और अस्करी साहब की ही फिल्म का वो कोई गीत जो है वो गाएगी जरा
बहुत सारी तालियां जी कमाल पाशा। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत मर्द और हसीन ख्वातीन, तल्लुक तो मेरा अदबी घराने से है, लेकिन अहले अदब की गर्द के पीछे भागता भागता ये तिफले मकतब आज स्टेज तक पहुंच गया है। ये एक ऐसा तिफले मकतब है जिसे दिन तो दिन के वक्त तो सूरज चमकता है, इस तिफले मकतब को रात को भी एक सूरज अपनी पूरी आबो ताब से चमकता दिखाई देता है, और उस सूरज का नाम है हदायतकारी, हदायतकार आजम आगा हसन अस्करी, जिसकी शुआओं ने कई डायरेक्टर पैदा कर दिए। आगा हसन अस्करी की फिल्में आगा हसन अस्करी साहब की फिल्में देखने के काबिल नहीं होती। आगा हसन अस्करी की फिल्में पढ़ने के काबिल होती। आपने डायरेक्शन सीखनी हो तो उनकी किताबों को पढ़ें, वो किताबें जो उन्होंने सोलो लाइट पर मुंतकिल कर दी। इससे ज्यादा और मैं यही कह सकता हूँ कि आज के आने वाले हदायतकार उनको लिटरेचर में फलसफे में वो कुछ दिखाई नहीं देगा जो आगा हसन अस्करी की फिल्में उन्हें पढ़ा देंगी। उनके लिए एक अच्छी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी की दुआओं के साथ आपसे तालियों को बजा दो यार, इतना अच्छा गाना सुनने के बाद। हजरात, मैं जिस शख्सियत को अब बुलाने लगा हूँ, मैं मेरे पास तो अल्फाज कम हो जाते हैं, वैसे भी मैं उनके सामने बोलता हुआ डरता हूँ कि कहीं उल्ट पुलट ना मार दूं, क्योंकि लफ्जों की तराश खराश जो है वो कमाल की होती है। मेरे बिल्कुल सामने मौजूद हैं हम सब के प्यारे जनाब खलील खलीलुर रहमान अमर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं हसन अस्करी साहब के बारे में बात करूं, मैं एक अदद माफी मांगूंगा, मैंने बल्कि वो शादी में इन्ने साल गुजर जाए तो आवाज हल्की हो जाती। आवाज आ रही है सबको? आवाज ए आ रही है। बोले नहीं, बोले आप
यार चुप कर जाएं तो मैं कुछ चंद मिनट बात कर सकूंगा। वो खाल खाल मौका मिलता है कि मैं अपने फैमिली में बैठा हूँ, आज मेरे सारे लोग हैं बैठे हुए मौजूद, और आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मत यह है, ये मुलाकातें अब उस मोड़ पर होती हैं जब हमने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली, हमने लाहौर का हक बर्बाद कर दिया, वो फिल्म इंडस्ट्री, वो उसका जमोखम, वो उसका करोफर, वो गया। आज पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं, इंडस्ट्री कहीं नहीं। मैं अपनी पूरी हिम्मत से लड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फितरी हक कभी तोड़े नहीं जाते। बॉम्बे हमेशा बॉम्बे रहा, इंडिया में और भी बहुत से शहर हैं, वो फितरी हब है फिल्म इंडस्ट्री का। हॉलीवुड हमेशा हॉलीवुड रहेगा, वो फितरी हब है अमेरिका का, शहर वहां भी बहुत है, कलकत्ता। इसी तरह मुझे ठीक से याद है, जब मैं इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो मेरी आदत है कि मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूं। तो एक जमाना था पाकिस्तान बनने से पहले कि तय किया जा रहा था कि बॉम्बे और लाहौर में से किसी को हक रख लिया जाए, तो मोस्ट ऑफ द वोट्स वर फॉर लाहौर। खुदा गवाह है आज हम फिल्में नहीं बना रहे, हम टामक टुइया मार रहे हैं। मैं बार बार आज इस फोरम के तवस्सुस से अपने तई अपनी निजी महफिलों में आपको मालूम है कि किस तरह मैं बात करता हूँ, उस तरह बात किया करता हूँ और कहा करता हूँ कि याद रखना हमसे भी गलतियाँ हुई आप लोगों के साथ, ज्यादतियाँ हुई, तो एक फरीक रुक जाए सजा देने सजा देने से। वो जो सलूक उनके साथ यहाँ किया गया, हालांकि उसकी बड़ी खूबसूरत मिसालें भी हैं कि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग वहां से आए हुए थे और वो परमानेंटली यहां रह रहे थे, इसका नुकसान हो रहा है। मैं आपको किस्मत बोलता हूं, जिस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री पर पनप रही होती है वहां दहशतगर्दी जो है अपनी लोएस्ट स्टेप पर आ जाती है। आप डाटा इकट्ठा करें, एक जमाना था लेकिन उसमें एक गुनाह हुआ। मैं आज जिस शख्स को के बारे में बात करने आया हूं, मैं जब बैंक में था पढ़ा करता था तो सोचा करता था कभी इन लोगों से बिल मुशाफा मिलूंगा, फिर मेरी इन सब से मोहब्बत दिन हुई, उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया, फर्दन ये जितने लोग बैठे हैं मैं उन मोहब्बतों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं कहीं भी हूं खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैं खुद आपसे जो मर्जी जली कटी बात कर लूं, मैं किसी को इजाजत नहीं देता आपके बारे में बात करें। और आपसे मेरा मान है, मेरा रिश्ता है, अटूट रिश्ता। मैं उनको ये भी समझाया करता था जब बहुत पहले मेरे 18 साल के दोस्त नासिरुद्दीन सर बैठे, पौने 18 साल के, ये और मैं एक दिन इनका इंटरव्यू सुन रहा था और ये कह रहे थे कि मैंने 8 साल पहले कहा था कि बगैर पंजाबी फिल्म की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो आज मैं इनके मुंह पर बताऊं आपको, मैंने 8 साल 1 महीने पहले कहा था कि पंजाबी फिल्म के बगैर आप इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। दो चार फिल्में आपको साल में नजर आती हैं, दो चार नहीं बनती, 20-25 बनती हैं, बाकी 18-20 आपको दिखाई नहीं देती। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे पहले उसका प्रोड्यूसर भागता है, और प्रोड्यूसर जब भागता है तो 10 आने वालों को साथ लेकर जाता है।
हमारे यहाँ एक बहुत बुरी रिवायत थी, जब मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ प्रोड्यूसर को पार्टी कहा जाता था। मैं हाथ जोड़ता था, समझाता था खुदा के वास्ते ये जिंदा रहेगा तो तुम लोग जिंदा रहोगे। मैंने अपने बड़े बड़े महा एक्टरों को देखा जो मैं रात की रात सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता था जो कच्ची लिखाई से बिल वसूल कर रहा होता था, उसके अलावा कोई परेशान नहीं होता था। और अगले दिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। आज आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 10-10, 12-12 सालों से आपने फिल्म नहीं की, वो हम कंधे से कंधा जोड़ लेते, वो एक दूसरे के गम में सुख में दुख में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंडस्ट्री आज इस बर्बादी का मुंह देख रही हो भाई, तुम्हें तो चुप कर जाना, तो आप ही भी बोली जा रहे हैं। ये चुप कराने का क्या तरीका है? मैं शायद उन लोगों में से हूं जो आज भी, जब अपने इन सब दोस्तों को, इनको मैं बुजुर्ग कभी भी नहीं कहूंगा, अल्लाह इनको हमेशा जवान रखे, लेकिन एक बात तो तय है कि उम्र खा जाती है हमें। इससे पहले कि उम्र इनको खा जाए, उम्र हमें खा जाए, अपने अपने तक कोशिश कीजिए, जो भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको समझ है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिनको एहसास है कि जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल लें, पंजाबी फिल्म के बगैर इंडस्ट्री नहीं चलनी। वो जब मैंने नया नया सुना ना, आई वॉज उर्दू मीडियम गाय, यू नो, तो मुझे गुस्सा आता था। उस वक्त तक मैं 3 दफा टॉप कर चुका था यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी में स्पेशली, तो मैं आगे से कहा करता था, यू नो, इस जुमले ने खा लिया, फिर किया नहीं, अंग्रेजी हम बोलते थे आंधी किसी ने भी नहीं। ये फर्टाइल जमीन है, पूरा पाकिस्तान फर्टाइल है, लेकिन पंजाब की तारीख है, ये दुनिया की जरखेज तरीन जमीन है। आप चढ़दा पंजाब देख लो, लहदा पंजाब देख लो, सिवाय इसके मैं क्या कहूं। मैंने पहली फिल्म इनकी देखी थी वैशी घाट, गलबन मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो अम्मी का गिलास पितल का बेच के पैसे पैसे पूरे की तसर में टिकट थे। कईयों ने इल्जाम दिया उस फिल्म के ऊपर कि वो बुनियाद थी, मैं कहता हूं वैशी जट एक शाहकार फिल्म थी। मैं जिंदगी में बड़ी फिल्मों के बहुत कुछ भूल गया, मैं उसका रोशना नहीं भूला। वो इतनी खूबसूरत निटिंग थी, माफी और बदले के दरमियान, लेकिन बजाय इसके कि उससे काम लिया जाता, हमने इंडस्ट्री को इतने रास्ते पर डाला, हमारे भेड़ चालिया होने ने मरवाया। फिर मैं जब इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो मैंने देखा यहां जो मेरा राइटर है वो सबसे ज्यादा पिस रहा है, इज द मोस्ट अनइम्पोर्टेंट पर्सन। शुक्र खुदा का मैं प्रोड्यूसर राइटर आया, मैंने कहा अल्लाह अकबर, मुझे एक बड़े मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर उनके ऑफिस में बैठा हुआ, मुझे कहानी सुना रहे यार खलील साहब, एक जमाना होता था 10 लोग बैठते थे रात को, कहानी डेवलप हो जाती थी, सुबह हम राइटर को बुलाते थे, तो
मैंने कहा एड्डी कि जरूरत सी तुम उर्दू टिकनी नहीं आती दस बंद ने तो कहानी बना लेंगे सो मामे उधर कहानी भी लिख लेनी आपने समझा क्या हुआ राइटर आपने बेअदबी की जो अदब का वारिस था उसकी बेअदबी की थी मैं लड़ा उसके लिए और बाबांगे दोहल लड़ा और अल अलानिया बोलता था है कोई जिसकी जुरत हो के मेरी मेरा काम के की इधर उधर कर दे यह मैं अपने अपने लिए नहीं कर रहा था खुदा की कसम जिस मुल्क ने जिस इंडस्ट्री ने अपने राइटर की तौकीर नहीं की वो बेतौकीर होकर मरी जिस तरह लाहौर की इंडस्ट्री मरी मैंने अपने अपनी आंखों से देखा मुख्तलिफ सेटों पर मेरे राइटर के सीन एक्टर काट रहे हैं मामा तू राइटर है आप ही लिख ले हाँ करो ले आया अगर सीन लिख के ये कितने गुनाह हैं फिर हमारे यहाँ एक और वाकया जो सबसे बुनियादी आज सब लोगों के सामने मैं गाना रिकॉर्ड करा रहा था ये हॉल में तो मेरे पास दरखास्त आई थी वो ये हॉल मेरे पास था अपने स्टूडियो का तो हमने गाना चलाना है फिल्म का इस गाने के पीछे एक तारीख ये थी कि मेरा सूली कैसेट लगा हुआ था वहाँ सूली सीरियल था मेरा साथ तो वहाँ मेरी बेटी का बेड गया हुआ था शूटिंग के लिए मैंने कहा सर वो बेड भी हमें चाहिए तो मैंने कहा चलिए वो इससे पहले गाना शूट हो चुका है तो जिन्होंने एवेन्यू स्टूडियो का भैया हॉल देखा उसके बीच में रिकॉर्डिंग रूम से शीशा है और सामने आपको वो स्क्रीन दिखाई देती है तो फिर एक दिन आया कि जनाब गाना देख लें मेरे अंदर रिकॉर्डिंग चल रही थी तो मैंने कहा कोई नहीं 5 मिनट का गाना देख लेते हैं मैं उससे चन्ना सच मुझे बना रहा था तो मैंने अचानक देखा कि हॉल जो है वो खचा खच भर गया दिल धड़कने की जगह मैंने कहा अल्लाह मान ये कौन सा गाना है जिसके लिए पब्लिक जो है इस तरह इकट्ठी हो गई वो गाना चला गाना शुरू हुआ मेरी बेटी के बेड के ऊपर जो खातून अदाकारा थी उसने 30 सेकंड के बाद अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ हमारी एक बड़ी मशहूर हीरोइन का शोहर रहा है वो भी रिसेंटली तलाक हुई उसका जो शोहर है वो एंड दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग मैं अंदर जाता हूँ गुस्से से तो गाना खत्म हो गया है तो प्रोड्यूसर को कहा जा रहा है वाह वाह जनाब करा बस अल्लाह की मेहरबानी अल्लाह की कसम है मैंने ये बात वो बेड में लेकर वापस अपने घर नहीं गया आपने ये इबादत की तरह करने का काम था जिसमें कुफर के मर्तकब हुए आप इतना इतना बड़ा है एंड यू नो पार्टी जो है वो फिल्में बना रही है मैं उनको जानता नहीं पल्ले नहीं थे लाते करती मेला मेला तो आइए किसी तरह वो जो माने उन तो बड़ा आदमी हो गए डू समथिंग कुछ लोग मिलो अच्छी खूबसूरत मेलोडियस पंजाबी फिल्म बनाओ 80% रेवेन्यू पंजाब से जाता है लोग मुझसे पूछते हैं मैंने 2 रीसेंट फिल्में जो लिखी पंजाब नहीं जाऊंगा और लंदन नहीं जाऊंगा तो मैंने जानबूझ के लिखी कि उसमें पंजाबी एक्सेंट रहे मुझे मालूम था उर्दू आप भूल चुके ना तुम उर्दू आती ना तुम अंग्रेजी आती ये अपनी जबान समझ के आ जाती भावे झूठ ही बोलते रहते ये सफर होगा रिजुविनेशन का इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने का और जब तक इन बड़े लोगों को उम्रें खा नहीं जाती
इनसे फायदा हासिल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कलीम भाई, कलीम साहब, आप दो मिनट के लिए यहां आइएगा। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन प्रोड्यूसर एसोसिएशन मोहतरम जुल्फकार पाना साहब से तशरीफ लाएं। अल्ताफ भाई, अल्ताफ सैन साहब, आप भी आइएगा। सर नासिर अजीब साहब, आपसे भी गुजारिश है, एक सीनियर है जो हमने खलील रहमान तनु साहब को देना है, अवार्ड है, तो ये अगर शहजाद रफीक भाई आप भी आइएगा, और सुधी भट्ट साहब आप भी तशरीफ लाएं। ये एक अवार्ड है जो हम दे रहे हैं खलील रहमान तमर साहब को, और मैं चाहूँगा कि इसमें आप तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हों। जी आगा जी, जिनकी ये महफिल है आप उसको बैठा देना सर, आइए तो सही, आप ही को अवार्ड है और आप अवार्ड के लिए आइए, मेहरबानी। जी ये अवार्ड है, ये मैंने गलत अनाउंस किया, आगा जी का ये अवार्ड है और ये तमाम दोस्त जो हैं उनके मौजूद हैं ये अवार्ड। जी आपकी तालियां तो होनी चाहिए। परवेश करीम साहब आइए, और खबर नहीं हाशमी साहब आप भी आइए। दोस्तों मैं मैच को बगैर कार्ड देने तो पहले गल करनी चाहता हूं। जावेद रजा साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, प्लीज आप भी तशरीफ लाइए जावेद भाई। खलील रहमान कमर साहब ने उन्हें एक गल कही है, मेरे दोस्त ने एक गल कही है कि पंजाब की फिल्म लाहौर की फिल्म नहीं बन रही, लाहौर की फिल्म पंजाब की फिल्म बंद भी असी सारिया ने मिल के की है। जिस वेले दुनिया की कोई भी फैक्ट्री कोई भी चीज बनती है उसका ओनर जेड़ा होता है मालक होता है उन्हें इज्जत मिलती है। इतने साड़ी इंडस्ट्री के मैं जिन्हें प्रोड्यूसर वेखे ने उन्हें एक्टर की कुर्सी छड़नी पई, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर ऑनर है पैसे होंगे ने जो एक्टर आया उन्हें कुर्सी छड़नी पई। हूँ यह सजा उस गल की है, मैं अज भी राती एक जगह पर बहस हुई है, कहते ने जी मौला जट बहुत वड्डी फिल्म है बहुत वड्डा कारोबार किया है, मैं अपना प्लाजा दे दिना वा लिख के अगर उन्हें चूड़िया ने बहुत काम किया कारोबार किया है। सामने फिल्म टाइटैनिक सी 11 रुपए 12 रुपए शेयर के नाल 36 करोड़ रुपए का कारोबार, 30 रुपए की टिकट सी 15 रुपए टैक्स सी 4 रुपए एसी दे सन 11 रुपये शेयर सानू मिलता सी। इत्थे पंजाबी फिल्मां ने बहुत बहुत कारोबार किए ने, हुण तुसी 2200 रुपए की टिकट के नाल पूरी दुनिया का बिजनेस इकट्ठा करके 250 करोड़ रुपया कहते हो गया, 36 करोड़ रुपया 10 रुपए नाल होया, टोटल करके वेखो ज्यादा किहड़े बंदे ने फिल्म वेखी है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे इकट्ठे हो के काम करो, मैं मेरे भरा ने हुण क्या फिल्मां शुरू करन दा, मैं कल दियां दो फिल्मां शुरू कर दित्तियां, हदायतकार हसन अस्करी राइटर नासिर अदीब साहब, मैं कल बुला के मैं इन्हां नाल मंडी वाला भा नहीं किया, मैं डायरेक्टर नूं भी किया जिन्ने पैसे तुसीं मूहों कहोगे उन्ने पैसे, राइटर नूं भी किया जिन्ने पैसे तुसीं मूहों कहोगे उन्ने पैसे,
और मैं कल दो एडवांस भी दिता है शहजाद रफीक साहब न मैं फिल्म शुरू करवाइए यह फिल्म शहजाद रफीक साहब न मैं कह रहा सा बनाओ शहजाद रफीक साहब ने कहा आगा असल असली का हक बनता है उस्ताद आदमी है उस्ताद वेला बैठा हो असी काम करिए उस्ताद न काम कराओ मैं उस इस गल की खुशी च मैं दो भी फिल्म शुरू कर लिया मैं शहजाद रफीक साहब ने भी कहा तुम मेरी फिल्म बनाओ जेड़ी फिल्म असल असली साहब बना रहे उनका प्रोड्यूसर मेरा बेटा कैनेडा तो बिलोंग करता है जेड़ी फिल्म शहजाद रफीक साहब बना रहे उनका भी प्रोड्यूसर मेरा बेटा है वो लाहौर है और इंशाल्लाह ताला असी दोवां फिल्मों की जनवरी च ओपनिंग करांगे ये नहीं कि असी गल्लां करांगे इंशाल्लाह ताला तुहानूं करके विखावांगे अस्सलाम वालेकुम मैं दो नाम भूल गया था अच्छी खासा तशरीफ लाइए मेघा जी कहाँ हैं आप भी आइए और नवीन साहब जो है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आए और ये अवार्ड जो है प्यारे दोस्तों मैं चेयरमैन नहीं गा मैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मैं कल परसों भी ये गल कही सी कि छोटा बंदा नहीं होंदा छोटी ज़हनियत होंदी है ये अवार्ड नौरंगी उत्तम कॉस्मेटिक्स और संजीव की जानिब से दिया जा रहा है और हमारे सारे जो मोहतबर नाम है इस वक्त स्टेज के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं तो जिसने तुम किसी भी इज्जत दोगे ना मैं जो फिल्म दसी जाया सा मेरा उस्ताद सी शाहजहान खान फौत हो गया फिल्म बनाता सी वो आवाज दिता सी अपने चपड़ासी नूं खशनून साहब मैं उन्हें कहना सा कि उस्ताद जी खशनूद साहब क्यों कहते हो वो कहता माने मैं उन्हें अज साहब कहांगा तो मेरी इज्जत करेगा ऐ साडियां गलतियां ने एक साड़ी फिल्म का फेमस स्टार तुहानू गल्लां कर रहा स्टेज पर बह के समझा रहा मैक फड़ के ते चाली बंदे गल्लां पे करते हैं यार तुहाडी मेहरबानी है इज्जत तुहाडी भी उदों होवेगी जदों इज्जत देनी सीखोगे इज्जत सब तो पहले इज्जत दियो फिर इज्जत होनी है मैनू किसी मेरी किसी गल बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहना आगा अगर असल असगरी इस तो वे अवार्डा का हकदार माशाल्लाह माशाल्लाह आगा साहब की इज्जत च प्रोड्यूसर एसोसिएशन चौधरी जुल्फकार खान साहब को कि वो दोबारा तशरीफ लाएं और यार मैं अपने दोस्तों से कहूंगा प्लीज यार ये सारा आपने डेकोरम खराब कर दिया यार खान साहब आइए आप जरा इनको समझाएं और मेरे दोस्तों मैनू एक मिनट गल कर लें दे गल करन लई मैं स्टेज पर आना सी वो गल तो मैं अपने जज्बात कर दी जिहड़ी गल तुहाडे नाल मैं पहले की है वह मेरा जज्बात सी ते जोश सी ऐ मैं तुहाडे नाल फिल्म दसी दी गल करनी चाहना यार खामोश हो जाओ यह गल तो थोड़ी जरूरी हैगी है तुहाडी मेहरबानी है मैनू इत्थे आ के एक गल का दुख बहुत होया मैनू इत्थे आ के एक गल का दुख बहुत होया जेड़े पत्थर इत्थे होने चाहिए सन जेड़े पत्थर इत्थे होने चाहिए सन वो कोई नहीं गए जेड़े पत्थरां नूं इन्हां डायरैक्टरां ने बुत बनाया जेड़े पत्थरां नूं इन्हां डायरैक्टरां ने हीरे बनाया वो मेरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दे स्टार सारिआं नूं इत्थे मौजूद होना चाहिए सी शख्स ने जिन्होंने अंजमन बनाई जिन्होंने बाबरा शरीफ बनाई बाबरा शरीफ नू बाबरा शरीफ बनाया
जिन्हां ने सुल्तान राय नूं सुल्तान राय बनाया, जिन्हां ने शान नूं शान बनाया, साडी इंडस्ट्री दे ओ लोकां नूं अज इज्जत देण लई जिदों भी डायरेक्टर दा कोई फंक्शन होवे सब तो पहले एक्टर नूं आके इज्जत देनी चाहीदी है। मैं फिर तुहानूं दोस्तां नूं कहिंदा वां अगे मेरे भाई फ्लेवर मां कमर साहब ने गल कही सी, मैनूं तुसीं इह गल दसो किहड़े एक्टर दा घर वी गिआ ओ खुदा दा वास्ता जे इत्थे प्रोड्यूसर दा घर वी गिआ ते रुलिया डायरेक्टर है जिहड़ा शिकार बनाउण वाला ओ खुदा दा वास्ता जे इस काम नाल मुहब्बत सिखो। इंडस्ट्री पिछे इन्ना हरकतां हो गई है जेड़ी असी अपने सीनियर दी, मैं 1980-82 च स्टूडियो शौक नाल शूट वेखन आना सा, खुदा दी कसम है मैं ममदली वही मुराद नदीम साहब दे सा खुशक हुंदे सन सैट दे डायरेक्टर कोलो, अज दा डायरेक्टर तमाशा बनिया है। इन्हां डायरेक्टरां नूं एक्टर दा काम सी इज्जत देना, प्रोड्यूसर का काम नहीं सी इन्हां नूं इज्जत देना। चलो अल्लाह उन्हां नूं उन्हां दी सजा दे रहा है। बहरहाल असीं सारे फिल्मां बनाउण लगे हां और बनावांगे, कोशिश करांगे होर प्रोड्यूसर भी आन, लेकिन तुहाडी मेहरबानी है प्रोड्यूसरां दा साथ दिओ। मैं फिर कहना वा मेरी फिल्म दी ज्यादती कर लो मैं खुश होके सवांगा, मेरे ज्यादा पैसे लगन मैं खुश होके लावांगा, लेकिन जेड़े प्रोड्यूसर नूं असीं स्टैंड करना चाहते हैं उन्हां दा सारे मिल के साथ देना, तुहाडी मेहरबानी है। इंशाल्लाह पंजाबी फिल्म शुरू होएगी, हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, यहाँ पे चूंकि मौजूद हैं हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, भंगड़ा क्वीन का उनको खिताब मिला है और क्या जबरदस्त जनाब, वो जब आएंगी तो आप देखिएगा कि माहौल एकदम तब्दील हो जाएगा। मेघा जी आ जाइए, मैं ये आज गाना गा रही हूँ। आगा जी, तेरे नाल मिलाया किया सारे आदमी तेरे नाल मिलाया किया वे तू तेल में दूरियां रखिया तू जीत गया तू जीत गया ए दर्दा मैं दूसरी हारी तेरे परवारी सजना मुंडे
कितना अच्छा मेघा जी ने परफॉर्म किया है, और अभी खुशबू जी भी आ गई है, वो भी परफॉर्म करेंगी, सोमिया खान है वो परफॉर्म करेंगी, मरिया बनी है, बहुत लोग परफॉर्म करेंगे, मगर नासिर अदीन साहब जरूर ने 15-20 मिनट के लिए आ रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी फिल्म के साथ कहानियाँ लिख रहे हैं, तो अब उनको बेचारे इतनी मोहब्बत है आगा जी से कि उनका फिर बेचारे में जी नहीं चाहे, तो नासिर अदीन साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और आगा जी के बारे में कोई सी बातें करें, जरा रिकॉर्ड साथ जो बातें आप करते हैं सर, आज फिर एक इम्तिहान है, तालियां यार तालियां भी बजाते हैं आप लोग, आप लोगों को तकरीबात करवाते हैं हर महीने दूसरे महीने, तो ये आपका फर्ज है कि आपके लेजेंड बड़े बड़े जब यहाँ लोग आते हैं तो आप तालियां भी बजाएंगे, या घर से सारे लोग भूखे आते हैं कि इनके पेड़ों में ताकत ही नहीं हाथों में आप लोगों के, प्लीज तालियां बजाना आते हैं साहब के लिए। मौजूद हाजरीन और मौजूद ख्वातीन और जो ऊपर हाजरीन है, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेशक मेरे लिए ताली कोई ना बजाए ना मेरी बात के दौरान बजाए, लेकिन खामोश होकर मेरी बात जरूर सुनिए। आप लोगों को शायद किसी को भी नहीं पता कि ये फंक्शन मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। सबसे पहले सैयद नूर साहब आए, उसके बाद राशिद महमूद साहब आए, उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब आए, फिर शायद कोई और आए, फिर खलील रहमान कंवर साहब आए, माना साहब ने भी बात की, सबका मौजू तो एक ही था हसन अस्करी, सब ने तारीफ की बहुत की, लेकिन खुदा की कसम हसन अस्करी की वो तारीफ नहीं कर सका जिसका वो अहम है। मैं यहाँ बैठे हुए हर डायरेक्टर से, मसूद भट्ट साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा कि दुनिया में किसी डायरेक्टर के साथ इतनी किसी राइटर की फिल्में नहीं है जितनी मेरी हैं, इनके साथ मेरी 72 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और बाकी तैयार। इसके अलावा ये मेरे दरअसल साहब हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनके साथ भी बड़ी खूबसूरत फिल्में लिखी हैं, उनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, वो भी तारीखी हदायतकार हैं। इधर एक नववारद डायरेक्टर जिनको मैं यही कह सकता हूँ कि वो नए नए आए हैं लेकिन आप लोगों को शायद पुराने लगे, शहजाद रफीक साहब, वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि जो डेब्यू किया और रिकॉर्ड बना दिया, तो मैं इन सब से माजरत के साथ, और अगर कोई और हिदायतकार बैठे तो उनसे भी माजरत के साथ कि आज मैं आप सबको नज़रअंदाज कर जाऊंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि महफिल कितनी ही वसी क्यों ना हो और वहाँ कितनी ही बड़ी बड़ी शख्सियात क्यों ना हो, मुरीद अपने मुर्शिद की ओर भागता है। तो हसन असली मैं ये नहीं कहता वो बहुत बड़े हिदायतकार हैं, एक बात मैं हलफन कहा करता हूं और वो सच बात है, पूरे एशिया में हसन अस्करी जैसा कोई डायरेक्टर,
और मेरा ये भी ईमान है कि उनके बाद बहुत डायरेक्टर आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन हसन अस्करी जैसा कोई काम नहीं करेगा। मैं इस शख्स को, मैं ये तारीफ क्यों कर रहा हूं, मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया, सबसे पहले मैंने एक फिल्म की बेऔलाद के डायलॉग लिखे, फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। फिर मैंने आशिक लोग सुदाई के डायलॉग लिखे, वो फिल्म भी डेड फ्लॉप हो गई। और मसूद भट्ट साहब जो थे, इनको एक गलतफहमी थी किसी और राइटर की, ये मुझे मनहूस राइटर कहना शुरू हो गया। कहने लगा यार उसको नहीं देना क्योंकि वो उसकी तो फलामी फेल है, फलामी फेल है, फलामी फेल है और शराबी फेल है। असल में एक और भी राइटर थे जिनका नाम नासिर जलाल था, उनके खिलाफ फिल्में भी इनको मेरे नजर आ रही है, मेरे पास नहीं आए। तो किसी डायरेक्टर ने मुझे सुनने से परहेज किया, हर डायरेक्टर ने, किसी ने मुझे सुना नहीं शहजाद रफीक साहब, किसी ने मुझे परखा नहीं, किसी ने मुझे पहचाना नहीं। सबको बेऔलाद और आशिक लोग सुधाई याद आती रही। ना जाने हसन अस्करी की आंख में ऐसी कौन सी बात थी, ना जाने मेरे पीछे किसकी दुआ और किसकी अदाक थी कि मैं इनको नजर आ गया। और जब मैं नजर आया तो हमने दहशत जट पर काम शुरू किया और हम काम करते रहे। मोहम्मद कमाल पाशा साहब, खुदा के लिए आज मुझे कुछ अल्फाज दे दो, तुमने सुबह का सितारा जैसी फिल्म लिखी है। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं हसन अस्करी के लिए कुछ बोल सकूं। लोग कहते हैं मैं मुकालमे बहुत अच्छे लिखता हूं, लेकिन परवेज कलीम साहब आज मैं तही दस्त हूं। मुझे अब अल्फाज मिल रहे हैं, बेशुमार अल्फाज है, इस काबिल नहीं है कि मैं हसन अस्करी के लिए इस्तेमाल करूं। वो शख्स मुझे वादा किया इसने कि मैं आपको राइटर दूंगा, ये उस वक्त फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म का नाम था गैरत निशान। मैं हर वक्त इनके पीछे पीछे और साथ हम रहते थे क्योंकि ये आखिरी आस थी मेरी और आखिरी उम्मीद थी मेरी। फिल्म लगी रिजेंट शर्मा में और मैं फिल्म देख नहीं सका, मैं बाद में गया तो आगा साहब के हाथ में हार था और ये बाहर आ रहे थे, लोग कुछ इनके साथ थे, तो मैंने रस्मन इनको कहा आगा साहब मुबारक हो। इन्होंने आगे से खैर मुबारक नहीं कहा। तो इनका देखना मुझे ऐसा था जैसे इनके अंदर से आवाज आ रही हो कि मनहूस तेरे साथ मेरा वादा था तो मैं राइटर लूंगा, मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप हो गई तो लोग इसका मतलब ठीक ही कहते थे कि तुम नेक्स्ट राइटर हो। लेकिन जब इस शख्स को फिल्म मिली तो सबसे पहले ये मेरे घर आया, 25 रुपए के कमरे में मैं रहता था, ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए तो मैं राख लपेट रहा था कागजों की। और वो क्यों लपेट रहा था कि रात मैं जब सोया था और गहरी नींद में सो गया और बारिश थी जबरदस्त, तो एक कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने बहुत सोने की कोशिश की लेकिन उस कुत्ते के बच्चे ने मुझे सोने नहीं दिया। और मैं, आप हंस रहे होंगे शायद कि ये वाकया मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन ये वाकया मैं इसलिए सुनाता हूं कि जिस तरीके से आगा साहब की फिल्में, जैसे उन्होंने कहा था ना कि देखने के काबिल नहीं है, पढ़ने के काबिल है, तो मेरा भी ये वाकया जो है आप लोगों के लिए मशाल रहा है। और शायद कोई एक ऐसा आदमी यहाँ बैठा हो जिसने ये वाकया पहले ना सुना हो। बहरहाल मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया, नहलाया, वो सर्दी से ठिठर रहा था, मैंने उसको उस ठिठर सने से बचाने के लिए जितने मेरे सिगरेट थे उनको उनके इर्द गिर्द लपेटा और आग लगा दी, वो बच गया। और सुबह मैं वो रात लपेट रहा था कि अस्करी साहब आए, उठो फिल्म मिल गई है। मैंने कही चले रिक्शे में बैठने लगे, 3 रुपये 2 आने किराया तय हुआ, मालीपुरा जाना था। अगर साहब ने पाँव रिक्शे के अंदर रखा, मैं पीछे था तो मुझे पलट कर कहते हैं पैसे है ना, मैं कहती कोई नहीं, कहते मेरे को भी कोई नहीं। रिक्शे से पाँव वापस आ, कहने लगे यहाँ कोई तुम्हारा साइकिल वाला वाकफ हो, दुकानदार 4 आने घंटा साइकिल मिलती थी। मैंने कहा जी वो भी मेरा कोई वाकफ नहीं, चल कर आओ मेरे साथ। हम वहाँ से पैदल दोनों इस्लामिया पार्क आए जहाँ ये रहते थे, वहाँ 4 आने घंटे पे किराए पर साकेत साइकिल ली, मैं डंडे पे बैठा और आगा साहब ने साइकिल चलानी शुरू की और मालीपुरा तक हम साइकिल पर गए। वहाँ एक आदमी धोती बांध के बनियान पहन के बैठा हुआ था,
तो इन्होंने मुझे कहा कहानी सुनाओ, मैंने कहानी इंटरवल तक सुनाई, तो वो कहने लगे यार कहानी तो सुनाती है, तो आगा साहब पैसे किन्ने लैनगे? ये कहने लगे जी इन्हें की बेचारे ने कहना जो तुहाडा दिल करे दे दिओ। उन्हें मैंने असर किया ठीक है, मैं चार वोला वेख के मैं जी ठीक है। उन्होंने मैं 101 रुपया दिता, मैं घर आके दस अल्लाह का लख लख शुक्र है, मैं 400 रुपये कहानी मिल गई। ये मैं अगले दिन जाके पता लगा जो उन्होंने मैंने 400 रुपया होर दिता कि यार तैन 500 आ गया, बाकी 3500 मैं तेन नाल नाल दिया। 2 रुपये दिन का होटल, 1 चारपाई और 1 पंखा, मिंटकुरी रोड पर वो नेशनल होटल के नाम से आज भी होटल मौजूद है। उस होटल में मुझे बिठाया गया, मैं अपनी धोती और बनियान लेकर उस होटल में बैठ गया। वो पंखा था, गर्मी के दिन थे और मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर। तो आगर साहब ने सेट लगवा लिया थाने का, तो मुझे कहने लगे यार ये जरा जहाँ ड्रामा रहेगा, विलन भी है, हीरो भी है और अफजाल भी है और पुलिस भी है और कानून भी है, तो यहाँ एक सीन लिख कर दो, सो एक्सरसाइज करूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैं सारी रात बैठा रहा, मैंने सीन लिखा। सुबह इनके एसोसिएट डायरेक्टर आए, उस डायरेक्टर से याद है यार क्या शख्सियत है, जब किसी को राइटर बनाने पर आता है तो नासिर अदीब बना देता है, जब किसी को असिस्टेंट देता है उसको इरशाद साजिद बना देता है, जिसने ये आदम फिल्म बनाई जिसे नेशनल अवार्ड दिया। तो वो मेरे पास आया सुबह सुबह, कहता जी वो सीन दो, मैं सारी रात का जागा हुआ था, मैंने पेपर पकड़ाया, मैंने कहा ये ले जा सीन। उसने यूं पढ़ा, देखा, कहता जी बस? मैंने कहा हाँ जी। कहता वो सीन तो बड़ा ड्रामे का था, तो आपने ये आधे सफा का सीन मुझे दे दिया। मैंने कहा यार यही सीन है, ले जाओ। कहता जी मैं तुम गल दसा, मैं क्या? कहता जी आगा साहब ने सीन पाड़ देना। मैं कोई गल, वो सीन आगा साहब के पास गया, 2 सीन थे। तो जब मैं गया AM स्टूडियो में, तो मुझे यकीन था कि आगा साहब ने तनवीर काजमी साहब को बुला लेना, क्योंकि प्रोड्यूसर तनवीर काजमी साहब से उस फिल्म के डायलॉग लिखवाना चाहता था। लेकिन आगा साहब ने जब वो मेरा दोनों सीन पढ़े, तो एक सीन ये था कि दुश्मन मारने के लिए आते हैं हीरो के बाप को, और जब वो सामने आते हैं तो वो तो कहता है गंदा है, अद्धी जान ते तेरी रेड़े दी धमक सुन के निकल गई होनी, अद्धी असी परछी मार के कट लेनी। तो कहता है मलका असी तेन किन्नी बारी कलियां वेख के छड़ देंदे रहे, कहता कलियां तो तेन असी भी छड़ जाना है, नाल ते सिर्फ तेरी जान लै जाना। उसके बाद आगा साहब ने मेरे सीन को कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। ये सामने बैठे वैसे जट, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आगा साहब ने मिलाई, और उसमें एक फिक्रा ना इजाफा हुआ ना उसमें कटिंग। तो इनकी ये शनाख्त जो है किसी इंसान की, वो आपकी सोच से बहुत आगे है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है। अभी कल जब हमने जुल्फकार माना की फिल्म साइन की, तो उन्होंने जुल्फकार माना से एक बात की कि इस आदमी को जितना भी टाइम देगा ना, इसको जितना कुरेदेंगे ना, ये उतना ही बहुत कुछ देगा। इन्हें ये नहीं पता कि जितना मुझे कुरेद कर मुझसे लेते हैं, मैं उससे दुगना इनसे वापस ले देता हूं। इनसे सीखा मैंने कहानी क्या होती है, मकालमा क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग की टक्कर मैंने मोहम्मद कमाल पाशा से सीखी, और जो तबाइफ के मुकालमे हैं वो मैंने परवेज करीम साहब से सीखे। बाजार हुसन देखने के बाद मैंने इनको सर्टिफिकेट दिया था कि ये फिल्म अगर मैं लिखता, बखुदा मैं नहीं लिख सकता, मैं इनको 10 रुपए के नोट पर साइन करके दिए हुए हैं कि आप मेरे से बड़े राइटर हैं। और मोहम्मद कमाल पाशा की न जेलर थे कैदी, न लाइसेंस, न सार्जेंट। इनकी सुबह को सितारा फिल्म देखकर मैंने माना था कि ये बाकी आम शुजा पाशा का पोता है और अमर कमाल पाशा का बेटा है। तो अपनी बात क्या करूं, मेरे तो बाप ही अनपढ़, मेरी मां अनपढ़, भाई अनपढ़, चिट्टे अनपढ़, मुझे तो आलम बना दिया इस शख्स ने जिसका नाम असद असलम। तूफान फिल्म हम लिख रहे थे, तो तूफान फिल्म जब
इंटरवल किया, मैंने इनको कहानी सुनाई, तो उसमें इंटरवल ये था बैंड उठा कर ले जाते हैं, अफजाल ने मरोल किया था, उसकी इज्जत लूटता है, और इज्जत लूटने के बाद वो सुल्तान है जब पहुँचता है तो वो ऊपर से छलांग मारती है, मर जाती है, भाई के हाथों में उसकी लाश आती, तो यहाँ इंटरवल था। आगा साहब ने सुना, सुनने के बाद दूसरे दिन मुझे कहते हैं, नासिर जी एक बात बताओ यार, इस बहन का कसूर क्या है जिसको मार दिया तुमने? बहन कही वो रेप हुई है, हीरो की बहन है, कहता रेप हुई है तो वो उसके उसका क्या कसूर है? मैंने कहा ये बात ये है कि हीरो की बहन है, अगर वो उसको जिंदा लेके लेकर जाएगा तो लोग उसे ताने देंगे। तो कहता है नासिरुद्दीन तुम किस बात के राइटर हो यार, ऐसा सीन लिखो कि लोग मान जाए कि इस लड़की को जिंदा रहना चाहिए था। तो ये इतना बड़ा रिस्क था, मैंने कहा रिस्क क्या? कहता है बाकी रिस्क मैं ले लूंगा, एक सीन का रिस्क तुम ले लो, लिख के लाओ एक सीन। उसे चैलेंज समझकर सारी रात मैं बैठा रहा और सिर्फ एक जुमला आया फिर जिसने उस सीन को अमर कर दिया कि वो सुल्तान जाता है आगे, वो सायका बहन होती है, उसको देखता है तो उसको देख के मुंह छुपा लेती है, उसको फिर जब उसका नाम लेता है बानो तो वो टन देती है, कहती वीरिया है ना बार एनिया वीरा गोलियां चलाइया नहीं, एक गोली मेरी हिक्के ची मार के मैं मार दे, मैं गुनाहवादी हूँ, पांडा जी लैके बाहर जाएंगे तो तेन तन दे के लोग मार देंगे। वो तो पैरें दिखती कहती मार दे मैं, कहनी मार दे। तो यहाँ उठाता ऐसे यहाँ वो जुमला था, कहना ना सुनिए किसी मरदूत के हथों कलामे पाक डिग पवे, ना उसके हरफ मिटते ना उसकी शान ते हरफ। तो मेरे लिए अज भी मरियम मुकद्दस है, जे तू मेरे लिए ताना तो मैं तेन लैके हर उस बूहे के अगो लंघा जिस बूहे के पिछले जवान भैन के प्राण रखे। तो लोगों को मैंने और औरतों को रोते भी देखा, तब से मैं इनके विजन का कायल हुआ। फिर आखिरी मैदान लिखी तो आटे की एक जुमला मैंने आटे का सुनाया इनको कि भूख की बात थी तो अफजाल ने बोला था, कहना ये आटा की शाय एदा लभना दिख एदा मंगना दिख। तो उस वक्त इन्होंने एक जुमला बोला, नासिर अदीब एक वक्त आएगा जो जब लोग तुम्हारा नाम इज्जत से लिया करेंगे, जो भी पेशीन गोई इस शख्स ने मेरे बारे में की वो पूरी हुई, मैं इसे ये तो नहीं कह सकता कि ये वली है, लेकिन वो खुदा इसके अंदर जरूर कोई वली है। मेरा चैलेंज है ये कैमरा रख दे सीन का, कहीं भी दुनिया का बड़े से बड़े डायरेक्टर को ले आओ, सेसल बी डीमिल को ले आओ, और पत्नी कौन कौन से डायरेक्टर, टाइटैनिक के डायरेक्टर उसे भी ले आओ, जिसने अवतार बनाई उसे भी ले आओ, उसे कहो यार ये सीन है और आगा हसन असकर ने यहाँ कैमरा रखा है, क्या ये सही है? इसको कहीं और रखा जा सकता है? बखुदा कहेगा यही सही है। हसन असकर हिदायतकार नहीं, हसन असकरी एकेडमी भी नहीं, हसन असकरी एक अहद भी नहीं, हसन असकरी एक ब्रांड है, और ब्रांड की तारीफ नहीं होती, ब्रांड के लिए इतने काफी होता है कि ये ब्रांड है। मैं जब इनके साथ बैठता हूँ काम करता हूँ तो मैं नासिर अदीब और होता हूँ। आज लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट, दैट इज नॉट द लेजेंड ऑफ मौला जट। ये बिलाल लशारी के लिए है द लेजेंड ऑफ मौला जट, मेरे लिए वो है द लेजेंड ऑफ हसन अस्करी। मौला जट में भी हसन अस्करी हिट हुआ था, लेजेंड ऑफ मौला जट में भी हसन अस्करी हिट हुआ। मैंने बेशुमार फिल्में लिखी हैं, लेकिन आप मेरे फिल्मों का अंदाज जो वैशी जट में पाएंगे, जो तूफान में पाएंगे, जो आखिरी मैदान में पाएंगे, जो जीने की सजा में पाएंगे, जो मेला में पाएंगे, वो आप किसी और फिल्म में नहीं पाएंगे। तो यकी मजबूत हो, शाह सवार अच्छा हो तो घोड़ा सही दौड़ता है, वरना घोड़ा रास्ते में रह जाता है, क्योंकि रेस घोड़ा नहीं जीतता,
दौड़ाने वाला जीतता है। लिहाजा अब हसन असली साहब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इनके साथ बैठता हूँ ना, तो ये अचानक कोई ऐसी बात करते हैं जो बड़ी बाकियाना होती है, और प्रोड्यूसर डर भी जाता है बार दफा, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूँ हसन असली कौन है। इसके बारे में एक शेर है कि वो तायर जिसके सीने में दिले आजाद होता है। अस्करी क्या है मैं आपको बताता हूं, वो तायर जिसके सीने में दिले आजाद होता है, वहां कसदन चहकता है जहां सयाद होता है। किसी बात की परवाह न करने वाला, अपने काम में मगन, अपने काम से इश्क करने वाला। बखुदा मैंने दुनिया में बेशुमार मर्दों को औरतों के पीछे और उनके साथ इश्क करते देखा है, उनके लिए रोते देखा है, जगराते काटते देखता है, मैंने खंजर भी मारते अपने नब्जों पर देखा है, लेकिन जितना इश्क मैंने काम के साथ हसन असगर का देखा है वो इश्क से कहीं ज्यादा। ये काम नहीं बोलता, इनकी डायरेक्शन नहीं बोलते, इनका काम से इश्क बोलता है। और मैं तो काश अगर मेरे बस में होता आगा साहब, आपको बुलाया गया, आप वहाँ अवार्ड लेने गए, पर खुदा मैं अवार्ड लेकर आपके पास आता। अवार्ड को आपके पास आना चाहिए, आप अवार्ड की कैसे क्यों हो। और एक बात कहकर ख़त्म करते हुए आगा साहब, जब मैं कहता था जिसकी मिसाल खलीलुर्रहमान कमर ने दी कि आप 8 साल से कह रहे हैं कि रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा, और उस फिल्म से होगा जो लाहौर से बनकर हिट होगी, वो इसलिए नहीं कहता कि वो मैं राइटर हूं और मैं जिंदा हूं, वो इसलिए मुझे यकीन है कि हसन असगरी जिंदा था, और जब तक हसन असगरी जिंदा है पंजाबी जुबान जिंदा रहेगी। और मेरा उनके साथ जो तअल्लुक है, मैं माना साहब के लिए फिल्म लिख रहा हूं, उन्होंने मुझे मुंह मांगे पैसे दिए हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया है। तो माना साहब, जैसा मैंने लिफाफा पकड़ते हुए एक बात की थी, मैं नहीं बोलूंगा मेरा काम बोलेगा, और मेरा काम नहीं बोलेगा उसमें आगा हसन असगरी बोलेगा। और आगा साहब आपके और अपने तल्लक के बारे में सिर्फ आप शेर है आपकी नजर और दुनिया को बताने के लिए कि आगा साहब और मैं क्या है। जो जो बढ़ता जाएगा शौके नजर इंसान का, आगा साहब जो जो बढ़ता जाएगा जौखे नजर इंसान का, तेरी मेरी दास्तां शाहकार बनती जाएगी। तो प्रवेश साहब, मैं ख्याल आप आए थे, मेरा ख्याल आप भी तो बहुत सी जैसे नासिर दीप साहब ने बातें की है, खलीलुर्रहमान कमर साहब ने की है एज ए राइटर, तो आप लोग जैसी बातें करते हैं आप लोग आए। लेकिन खामोशी से जो अर्ज कर रहे हैं वो सुना दिया, क्योंकि आपको सुनाने के लिए हम बात कर रहे हैं और आपकी अगर समातें जो हैं वो मतवजो नहीं है तो फिर बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि एक ऐसे शख्स की शख्सियत के इर्द गिर्द मुझे एक कसीदे का दायरा लगाना है जो दायरों से पाक, दायरे उसकी शख्सियत का अहाता नहीं कर सकते, लफ्ज़ों के कद बहुत छोटे हैं, हम चूँकि लफ्ज़ बेचते हैं रोटी खाते हैं, लफ्ज़ों के कद भी बहुत मुख्तसर हैं। मैं नहीं समझता मैं कहाँ से वो ढूंढ के लाऊं लफ्ज़ जो आगा असगरी की तारीफ़ कर सकें, चूँकि इत्तेफाक से मेरी भी कुछ नसीबी है, मैंने भी 2-3-4 फिल्में इनके साथ लिखी हैं, जिनमें एक फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म है और फिल्म का नाम है जन्नत की तलाश, जिसमें शायद आपने ये जो शोरील चल रही थी उसमें उसका देखा भी था एक पोर्शन। मैंने ज़िंदगी में जितने भी मकालमे में चीज़ें जो भी लिखा उसमें सबसे बेहतर मैंने उस फिल्म को लिखा। वजह ये थी कि मुझे ये पता था कि आज कौन सा मयार मेरे सामने है जिसके लिए मुझे सीन लिखना है। कसवटी जो होती है वो डायरेक्टर इसलिए बन जाता है कि चूंकि सारी चीज़ों का पे इख्तियार होता है, 27 शोबे उसकी कमांड में होते हैं,
उसके अलावा वो जो कमांड करता है उसमें उतना वो असलूब होता है तो कमांड कर सकता है। ये जितने मेरे डायरेक्टर बैठे हैं, मसूद साहब हैं, काब साहब हैं, हस्की साहब बैठे हैं और सुल साहब बैठे हैं, जावेद रजा हैं, ये शहजाद ठीक है, देखो वो बैठे ही ऐसे मकाम पे हुए हैं कि जहाँ निगाह जाती है तो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। बाहर मैं ये समझता हूँ कि ये जो डायरेक्टर होता है ये एक कसवटी होता है एक राइटर के लिए। मैंने शहजाद रफीक के लिए भी 2-4-5 फिल्में लिखी हैं। आप यकीन कीजिए कि ये लोग बड़े उस्ताद लोग होते हैं और बड़े कसबी होते हैं। हालांकि मैं डायरेक्टर राइटर हूँ, लेकिन जब मैं राइटर होता हूँ आगा जी से पूछ लें कि मैं कैमरे की तरफ आंख उठा के देखना भी समझता हूँ कि ये मेरे डायरेक्टर की तौहीन। आगा हसन हस्की के बारे में सिर्फ एक अर्ज कहता चलूँ कि नासिर अदीब साहब ने इतना अच्छा आज उनके बारे में कहा है कि जिसकी मेरे पास कोई मिसाल नहीं। ये खैर लफ्ज़ों का हुनर तो इसलिए जानते हैं कि राइटर हैं, लेकिन इन्होंने जो ढूंढे हैं लफ्ज़, जो तलाश किए हैं इन्होंने लफ्ज़, वो असल में उनमें कहीं भी कोई तकरीर या वो तहरीर की बात नहीं थी। उन सब में नासिर अदीब का लफ्ज़ लफ्ज़ में दिल धड़क रहा था। नासिर अदीब बड़े वसत वाले, एक बात में और देखिए, सच्ची बात तो करनी पड़ जाती है, कितना कोई बंदा झूठ बोल लेगा। आप देखिए कि कुछ लोग लफ्जों किसी की तारीफ करते हुए लफ्जों में भी बुखल का काम लेते हैं, यानी तारीफ करते हुए सोचते हैं कि यार कोई और ही लफ्ज ऐसा कह दें जिसमें ये वक्त भी गुजर जाए और हम अपनी बात भी कह के चले जाए, नंबर लगवा लें। अब कोई क्या उन्हें कहे माँ सिवाय इसके अल्लाह उनको लेखी की हदायत। कलेजे वसी रखने चाहिए तारीफ करते हुए। मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नासिर अदीब से ज्यादा वसी उल कल्ब आदमी बड़ा कम देखा है। वो मुझ जैसे अदना आदमी के लिए भी एक अच्छी बातें कह देते हैं। तो आगा अस्करी के बारे में ये तो यादगार पाकिस्तान है डायरेक्टरों। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, ये पहले कह चुका हूँ कि आप में वैश्य जट जो फिल्म है जो नासिर अदीब के कलम से लिखी गई, वो फिल्म इट वॉज अ आर्ट फिल्म। ये अस्करी साहब पहले कहा है, मैंने आज से कितने बरस पहले क्या क्यों कहा है। बात यह है जिसमें आपका ट्रेडिशनल नोट लग जाता है, जिसमें आप अपने काम की वजाहतें दे देते हैं, जिसमें आप अपना एक्सप्रेशन सेलुलॉइड पे उतार देते हैं, उसके बाद भी क्या उसे आप एक कमर्शियल फिल्म कहेंगे। मैं समझता हूं कि वो फिल्म जितने भी एमफिल कर रहे हैं या मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उन सबको वो फिल्म जो है वो यूनिवर्सिटीज में वो फिल्म चलाई जानी चाहिए और उनको फिल्म सीखने के लिए जरूरी है वो वैसे जट देखें। जबकि बेशक इल्जाम की वो तो कोई ऐसी बात नहीं, पैगंबरों पे भी लोगों ने कूड़ा फेंका है, ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों ने एक अच्छा काम किया, लोगों ने ये भी कहा कि आप ने जो है वो एक एक्शन अबाउट बुराई का और अंतरियों का फलाने का कल्चर दे दिया। ये किसी ने नहीं देखा कि आप सब मार्शल काम से ताल्लुक रखते हैं, अपने इंटीरियर में झांक के तो देखिए, कभी वो कत्ल होते हुए तो देखिए कि सगी खाला की बहन अपने सिर्फ इसलिए कि उसकी लड़की को 4-5 लड़के भगा के ले गए, उसने अपने हाथों से अपने भाइयों से मिलके उनको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उनके टुकड़े किए। खुदा की कसम ये मैं ऑनेस्टी से बता रहा हूं कि ये मैंने इत्तेफाक से देखा। तो किस्सा ये है कि आपको कैसे इंटीरियर को फरामोश कर देंगे, आप अपने असल से क्या मुंह मोड़ लेंगे, क्या ये ताकत है किसी के पास। अब ये एक अलग बात है कि 4 जमातें पढ़ने के बाद बंदा थोड़ा सिविलाइज्ड हो जाता है, उसके अंदर एक माफी देने के मार्जिन ज्यादा आ जाते हैं, वो कोई बहन को इशारा भी कर दे तो कहता बेटा खिड़की बंद कर दो, ये भी एक तहजीब है। लेकिन पंजाब में ये नहीं है और शायद इसीलिए आज सबने मतलब कल है कहा कि पंजाबी फिल्म से ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी 23 तारीख को पंजाबी फिल्म एक रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म है, इसके लिए दुआ फरमाइएगा। चूंकि आप सब लोग
मेरे नजदीक भागवान लोग हैं, क्योंकि नाम किसी उस बंदे का नहीं हो सकता जिसके पास नसीब नहीं होती। पैसा कोई चीज नहीं है असली साहब, ये तो फकीर भी कहता है, बादशाह भी कहता है, लेकिन गुजारिश है ये जो नाम मकाम होते हैं ये परवरदिगार की अताए खास होती है। आप लोग दरवेश नहीं हैं, बेशक थोड़े थोड़े खरगोश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि आपकी जुबान से निकले हुए लफ्ज जो हैं वो मेरे लिए भी सनद है और उन लोगों के लिए भी जो पीछे बैठे आपको तक रहे हैं और सुन रहे हैं। जनाब आगा साहब, आप ये सच है कि आपका कैमरा रखा हुआ एक सनद है, आप पोर्ट्रे करते हैं पहले जहन में, आपका विजन जो है, आपका विजडम जो है वो तो इतना भयंकर है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये सच है, अब इसके सिवा कुछ नहीं है कि वाकई ही जितने हमारे पीछे लीजेंड गुजरे हैं जिनमें खलील कैसर का नाम बड़ा है, आप आज के खलील कैसर। मैंने खलील कैसर को भी इतने ही वसूख से, इतने ही एतमाद से, इतने ही ताकत से मैंने देखा कि वो सीन करते थे। अब देखिए सीन कोई ऐवें हो जाता है, खुश्क से रूं तने शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसरा तर की सूरत। ऐसे तर मिसर नहीं बन जाते, उसके लिए असल अच्छी होना, खलील कैसर होना, मजबूत परवेज साहब होना ये जरूरी है और आप इस काबिल हैं। और सच बात यह है कि अवार्ड आज मोतबेर हो गया, आगा हसन अस्करी के पास जाके अवार्ड मोतबेर हो गया, क्योंकि ये इसी काबिल हैं। वो माय लेना इल्लुल बला हमारे यहाँ बहुत से राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हजार की तकलीफें की हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हमारे दरमियान में एक ऐसे भी हदायतकार है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया में उनसे ज़्यादा फिल्में नहीं की किसी ने, उन्होंने उर्दू में और पंजाबी फिल्म में 94 के करीब फिल्में की हैं। तो मैं इल्तमास हूँ जनाब सूदी भट्ट साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने जो भट्ट साहब का अंदाज है ना उस अंदाज में ज़रा खूबसूरत से बातें आगा जी के लिए करो प्लीज। इतना कुछ बोल दिया यहाँ पे अस्करी साहब के मुतल्लिक, परवेज करीम साहब ने, बाहुबली दुर्रहमान ने और नासरदीप साहब ने तौखीर कर दी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है क्या बोले इनके लिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि हसन अस्करी साहब के अंदर एक राइटर भी छुपा हुआ है, ये बेसिकली ये राइटर है, राइटर थे। इनकी ये सिलेक्शन को मैं दाद देता हूँ, इन्होंने के नासरदीप साहब को चुना और इनसे वैसी चार्टर खुलवा ली और उसके बाद नासरदीप पाकिस्तान के आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हिट और मसरूफ़ राइटर बन गए और जिन्होंने अपना नाम कमाया, और ये वैसी जट की वजह से थी जो अस्करी साहब ने उनसे लिखवाई और उनसे ये काम लिया। बाकी इन्फाज हमारे पास नहीं है क्योंकि हम राइटर नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि अस्करी साहब एक तरफ वैसी जट बनाते हैं तो दूसरी तरफ सलाखे बनाते हैं, एक तरफ पुत्र जगेदार बनाते हैं तो दूसरी तरफ दूरियां बनाते हैं, एक तरफ ये गंडासों की फिल्में और ये कत्लो गारत और ये उसके बाद ये तेरे प्यार में भी बनाते हैं। तो बारह ये इन्हीं का खासा है, मेरी दुआ इनके साथ हैं, अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हैं डायरेक्शन के लिए। अल्ताफ साहब भी यहाँ बैठे हैं, शहजाद रफीक साहब भी यहाँ बैठे हैं और भी मोहम्मद कुमार पाशा साहब ने भी बड़ी तुम्हेंदार तकरीर की और नासरदीप साहब तो खैर इनके बड़े फैन हैं, सुबह का तारा और जेल दर्द कैदी और लसेंस वगैरह का। तो बाकी अस्करी साहब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जी गाना कटेगा नासर साहब तो मैं भी नाम कटना हूँ। तो बाकी रहा ये अस्करी साहब के लिए, सब हम दुआ हुए हैं कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी लंबी उम्र करे और ये इसी तरह ऐसी फिल्में बनाते रहे हैं जो अभी चली हैं और जो हमने देखी हैं और हम इनको सीखते हैं देखकर। आज भी अस्करी साहब का जो शॉट है, आज भी जिस किस्म की ये ट्राली लगवाते हैं
वो कोई नहीं लगवा सकता। इनकी ट्राली लगाई हुई हम लोगों ने सीखी है और इनकी वजह से हम लोगों को ट्रालियाँ लगानी, पता चला कि फिल्म सीन के लिए ट्राली कैसे लगाई जाती है, ये हमने असली साहब से सीखा। अल्लाह ताला ने उससे इतना देखा, हम सुनी पर साहब से कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। हमारे इस साल के अंदर ऐसे हदायतकार बैठे हैं जो एज ए प्रोड्यूसर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए और जिन्होंने घूंघट जैसी और निकाह जैसी फिल्म प्रोड्यूस की और फिर उन्होंने एज ए हदायतकार क्लासिक पिक्चर बनाई जिसमें सलाखें और मोहब्बत सच्चियाँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शहजाद रफीक साहब से वो आए और आके कूजे में बंद करें अपने अफवादों से सारी बातें। हालांकि वो पहलवानों के इलाके में रहते हैं गुजरा वाले, मगर इतनी नफासत से बात करते हैं और बातें करते हैं शहजाद भाई जैसे लखनऊ से सीधे आए। प्लीज़ शहजाद रफीक साहब जी। गुजरा वाला पहलवानों का शहर तो कहा जाता है लेकिन गुजरा वाला को शेराज़ुल हिंद भी कहा जाता है। असली साहब क्या बोलूँ आपके बारे में, क्या रह गया है मेरे पास अपना जाना। नासिर अदीब साहब ने तो बिल्कुल ही मोहर लगा दी, वेज क्रीम साहब ने, सब दोस्तों ने आपके जाना, सब आपके ली गए उन्होंने। मैं तो तालब इलम हूँ आपका। मैंने पहली फिल्म जो स्क्रीन पे देखी, सिनेमा पे देखी, वो थी वैशी जट। और मेरी खुशकिस्मती देखिए कि मेरी एक फिल्म थी सलाखे, उससे पहले अस्करी साहब ने बनाई हुई थी। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं इतना बड़ा नाम लेके जो है ना वो फिल्म शुरू कर दी और बिल्कुल उसमें एक्टर भी नहीं थे, एक एक्टर की जिद में मैंने वो फिल्म बनाई। तो मुझे इंटरवल में जो सबसे पहले शख्स मिले वो अस्करी साहब थे और उन्होंने मुझे आगे जफ्फी डाली, मुझे ये कहा कि आपने फिल्म बहुत अच्छी बनाई। तो मैं तो अपनी सारा जो है ना वो सब कुछ भूल गया और मुझे बस यही याद रह गया मुझे कि अब कोई कितनी भी तारीफ करे इससे बड़ी मेरे लिए क्या हो सकता है कि अस्करी साहब को मेरी फिल्म पसंद आ गई। तो अस्करी साहब आपके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है बहुत, लेकिन क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। जिस तरह एक लॉयर के लिए PLDs होती है, मैं चूँकि इतफाक से लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, तो PLD जो है एक वकील के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं केस जीतने के लिए, लड़ने के लिए, रेफरेंस ढूंढने के लिए। आपकी तमाम फिल्में मेरे लिए PLD। आज भी मुझे कभी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चर के लिए बुलाया जाता है तो नासिर अदीब साहब ने जिस सीन का जिक्र किया है वो मैं उस सीन का रेफरेंस ज़रूर देता हूँ। मुझे आज तक जितनी मैंने फिल्में देखी हैं इससे ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन जो है जहाँ इंसान बेबस हो जाता है, ना लिखने के लिए कुछ है उसके पास और ना कुछ आगे डायरेक्टर के लिए करने के पास, वो इतनी कड़ी सिचुएशन जो है तूफान फिल्म की। और वो जिस तरह नासिर साहब ने वो सीन लिखा और जिस तरह वो आपने सीन किया और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस थी, शायद हमारी फिल्में उस वक्त ऑस्कर में जा रही होती तो चारों में से किसी को एक ऑस्कर ज़रूर मिलना चाहिए था। तो जनाब मैं अकीदतमंद हूँ और ये मेरी अकीदत जो आखिरी सांस तक जो है ना आपके लिए रहेगी। आप सलामत रहें। आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना और बहुत अच्छी अच्छी आगा जी के लिए बात की है और मैं समझता हूँ कि आगा जी की सलाखें और शहजाद रफीक साहब की सलाखें दोनों ही क्लासिक पिक्चर थी। तो जनाब हसन अस्करी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ, तशरीफ लाएँ और अपने अल्फाजों के द्वारा लोगों को एंजॉय करें। मुझे आप ना भी बुलाते तो मैं तंग आ गया था। मैंने पाशा साहब, नासिर साहब, परवेज करीम साहब, मीर रहमान कमर साहब, आप तशरीफ रखिए ना, पहले तो आप तशरीफ रखिए फिर मैं बात करूँ। इतना झूठ बोला है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठ कभी नहीं सुना। ये इतना इतना झूठ बोलते हैं पाशा साहब, नासिर साहब, परवेज करीम साहब, मैं तंग आ गया। मैं तो खुद ही उठने लगा था, ये ना भी बुलाया था, मैं कह रहा था बस कर।
और फिल्म देखा ही झूठ है तो झूठ ही बोल रहा है तेरे बारे में इतना बड़ी अरदास की बात है। गुज़श्ता कई बरसों से डॉक्टर साहब मैं देख रहा था 78 बरस उम्र हो गई मेरी, मेरे ख्याल 2 साल आप मुझसे बड़े ही होंगे छोटे नहीं होंगे। हाँ जी वो बकरी गले तुम दुबले पतले सौदों में हाली भी हो तो समाज उन्हें मैं उस तो मैं पौने मैं 16 ना समझ लो तुझे। हाँ जी पौना कट दो 16 ना कट सकता तो वो जनाब काफ़ी अर्से तो बादशाह साहब नासिर साहब मैं देख रहा सर कुछ जिंदगी की रफ्तार जिस तरह तेज हो गई जिस मशीनी दौर पे एक बेहिसी गलब आ गई जिसे साढ़े थे और कुछ दोस्त भी गए इस दुनिया तो बड़ी उतने बहुत ही खाल खाल अपनी अपने शोबे के कुछ लोगों ने देखा तो मैं सोचता सा यार मेरे मन में भी कोई आएगा कि नहीं आएगा और मैनू अज सिर्फ है देख के खुशी हुई है कि मेरा जनाजा बड़ा बार रौनक होगा जो इन्ह सारे ने सच बोले तो मैं मैं अब बड़ा ही इतमान हो यकीन करो मैं दिल की गहराइया तो कह रहा सब ने सच बोला है तो फिर मैं ये बड़ी इतमानी है मैं बड़ी मैं तुम एहसास दवा दिता है कि मैं बड़ी बड़ी अच्छे अंदाज न मैं इस दुनिया तो जावगा और कमाल सारे तुम बैठे हो जड़े चानो मेरे वास्ते हीरे हो ताड़ी चमक ताड़ी दमक जड़ी है ताड़ी मुहब्बत ताड़ी मेहनत जड़ी है उन्हें मैं अज इस मुकाम तक पहुँचाया ताड़ी मेहनत और इस तो पहले मैं जड़ी गल करना चाहवागा कि साढ़े तो इतने कोई यूनिवर्सिटी नहीं सी कोई दर्शगाह नहीं सी जी सन सिखा दी कुछ साढ़े साजा सन जो हिंदुस्तान तो हिजरत करके आए कुछ अच्छे लोग है सन साडे सीनियर जो सन असं उन्होंने को फैजयाब होए उन्होंने इलमो हनर ने सू कुछ सू असी कतरा कतरा इकट्ठा किया असं उन्होंने वर्गे तो नहीं बन सके लेकिन कैसे साहब का ना लिता जा रहा है वो जिंदा रहेंगे कोई करीब ना मरण वाले लोग नहीं है असी असं उन्होंने जिंदा रखा क्योंकि असं उन्होंने नकाल है असं उन्होंने नकल करते असं उन्होंने इंस्पायर है और इंस्पायर होना जोड़ा है वो नकल ही होती है तुम किसी के फन तो जो मुतासर होकर काम करो तो यह साढ़े असाज भी वो शामिल ने मैं फरदन फरदन नाम नहीं लवागा सूरी भट साहब बैठे ने अज भी माशाला ओडा ही सोहना ओडा ही जवान असी सारे बुढ़े हो गए उन्हें बुढ़ा हो रहा देखो 92 फिल्मा बना के भी नहीं बुढ़ा होया 30-40-50 बना के भी बुढ़े हो गए। हाँ जी ये सारे इन्ने बाइलम और इन्ने बाहुनर आदमी ने और मेरे बारे में इस वास्ते कह रहे सर कि झूठ बोल रहे हैं कि आप एडा चंगा काम करने वाले बंदे ने इस तरह का हुनर जानते हैं लफ्जा का हुनर जानते हैं शॉर्ट को लेना सब बेहतर समझते हैं बल्कि इन्होंने कई बार इन्हों का काम वेख के ये भी साड़ी तरबियत होती है असं वेख के तो उतों भी बहुत कुछ सीखने तो इन्हों की बड़ी मेहरबानी है इन्होंने वो सारा कुछ मेरे नामे लाता है तो मेरे वास्ते अज का दिन बड़ा ही पसंद है इन्हें सारे की मुहब्बत और सारे जी ने इन्होंने अज मैं दिन वेखना नसीब किया एक पौधा होंगे ना जी वो फिर एक शजर बनता है बड़ा हो गया तो फिर उन्हें फल फूल लगते हैं लेकिन वो फल का जोड़ा म्यार है वो तुरश है कि मिठा है कि पक्या हो कि स्वादी है वो साढ़े जी बड़े अजीम लोग ने साढ़े जिन्होंने असं आवाम कहने साडे हम बदन जड़े ने असल में वो तय करते हैं कि यह बंदा कितना म्यारी है और कितना अच्छा है अज भी उन्होंने तय कर दिता है कि नसरदीप तो लिखने वाला अच्छा कोई बंदा नहीं है मजा जंगली जो माड़ा तक पीढ़ी दे बड़े बड़े गुणी लोग ने कसौटी की तुम गल कर रहे सो जी कसौटी हैगी जितने परख हैगी तो इन तो अच्छी कोई परख नहीं जानता इन्हों की दिती हुई इज्जत ने अज दिन विखाया है तो मैं इन्होंने भी सलाम पेश करना मेरे को और कोई अल्फाज नहीं अल्लाह तुम सारे सलामत रहो एक गैशा इसी तरह ही जगमगाती रहे रोशनी इसी तरह ही रहे
शुक्रिया निवाजिश। आगा जी आपने जाना नहीं है, आपके हाथों को शील्डे दिलवानी है। नासिर जी सब प्लीज तशरीफ लाएंगे जरा। खुशबू साहब है, कहें खुशबू साहब है हमारे नगर। खुशबू जी आप आएंगे जरा प्लीज। खुशबू जी आपके भी शहीदा भाई है। मेघा जी खुशबू जी आगे, खुशबू जी आइए। आगे से तो हट जाओ। ये देखिए साल की एक बड़ी खूबसूरती है, साल के अंदर इसमें चार चार अस्करी हैं, एक हसन अस्करी साहब, एक इनका असिस्टेंट आसिफ अस्करी साहब, और नौरंगी के जो ऑनर हैं दोनों फात अस्करी साहब हैं और दूसरे भाई हैं जाफर अस्करी साहब। तो माशाल्लाह चार चार अस्करी हैं। तो अब मेघा जी आ रही है हमारी भंगड़ा क्वीन, वैसे तो कताला है मगर भंगड़ा क्वीन बन गई हम हमारी। चले प्लीज थैंक यू। ये डॉक्टर साद अख्तर साहब से गुजारिश है कि वो आए प्लीज अब अपनी शीट डाकर लें। डॉक्टर साद साहब मरियम तुम आओ जरा और आके फिर अपना शील्ड भी ले लो और नौरंगी का गिफ्ट भी ले लो, फिर उसके बाद एक परफॉर्म भी कहते हैं लोगों से कि मरियम अली की भी परफॉर्म देख ले, क्योंकि जाते जाते आप लोग एंजॉय करते हुए जाए कि घर तक जाते हुए कम से कम आपका दिल लगा रहे हैं, बोर ना हो ना, क्योंकि मरियम अली गाती बहुत अच्छी, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी, जरा देख के आप लोग इंजॉय करेंगे सर। जैसे जुल्फी साहब एडिट नहीं करेंगे तो मैं काटेंगे नहीं शॉर्ट, आ जाओ गाने में नहीं काटना इसके शॉर्ट को, बस बस करा रहे खत्म। आ जाओ मरियम, आ जाओ मरियम अली। ये अभी गाना देखना माना साहब आपने, लेकिन पंजाबी में गाना गाना मरियम ने सूट करता कि फिल्म में गवाया जाए। मरियम परफॉर्म करो जाए यार गाना। मरियम अली मरियम गाना गाना कौन सा करना है बताओ। और शीट के लिए बुला रहे हैं ठाकुर लोहरी साहब को, ठाकुर लोहरी साहब ऊपर आइए। ठाकुर साहब आए ये कमांड पर आगा जी, ठाकुर साहब का हाँ हाँ नहीं कमांड पाशा साहब के साथ बनेगी बस।
आ जाए आ जाए आ जाए, ये ठाकुर लाल साहब की शील्ड और वो गिफ्ट है प्लीज। आगा जी नजर तस्वीरें बन रही आप लोगों की। मरियम गाना स्टार्ट, मरियम गाना तो स्टार्ट करवा दो, माना तो जा रहे हैं आप। देखिए जितने भी एजेंट लोग बैठे हैं, हसन असली साहब किसी की तारफ के मोहताज नहीं है, और आज ये जो सॉन्ग है उनकी फिल्म का मैं उनको डेडिकेट करूंगी। उससे पहले ये जो जी ये आपकी नजर करूंगी सॉन्ग आपकी क्लैपिंग की जरूरत होती है।
सदके शान तेरी मैं साई बना जान सकते सारी आप भारी तेरे कदमों कितने शान तेरी माफी के साथ थोड़ा सा तो चाहूंगी आपको ये आपके लिए जिंदे जान सदके सारी आप भारी तेरे कदमों को लेना मालिया कितने शान तेरी कितने मैं कमी मेरी साली बना दिया तेज मेरे परदे दिल चोटी मेरा पावड़िया गया जी थैंक यू अब आगे जी प्रोग्राम खत्म कर लें इसलिए मैंने कहा पब्लिक बहुत देर से तकरीर सुन रही थी कुछ एंजॉय कर ली इसलिए गाना मरियम अली से गवाया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपने आगा जी के लिए जितनी अच्छी बातें सुनी है चले नासिर बराज साहब भी कहते हैं आगा जी को परवेश कलीम साहब को दिखाना चाहते हैं कोई गाना नासिर बराज
साहब वास्ते ऐसा जबरदस्त काम डांस इन्होंने किया, कमाल कर दी, यकीन कर लो। अल्लाह जानता है जे नर्गस के जैसे जे ठुमके नहीं लगे जो जे इकरार साहब ने लाए हैं। क्लैपिंग करो जबरदस्त। अगला कर दे कामरान इमरान। एक मेरी आवाज के दोस्तों, और ये है कि जितने भी तमाम दोस्त आए, तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खासकर हसन रिज़वी साहब का, प्रवीण गिल साहब का, अजीत खान साहब का, और ये जो हमारे ठाकुर लोहरी साहब है, मरियम अली जी है, गजल शाह, ये जितनी बायोग्राफी बनाई है गजल शाह जी ने बनाई है, कमाल बनाई है, और ये जो हमारे बड़े प्यारे म्यूजिशियन हैं इनका बहुत शुक्रिया, दीवान साहब हमारे खोकर साहब चिराग उनका शुक्रिया, नसीर मोहन और टाइगर शाह के, क्या बात है, जबरदस्त। चलो बरकत टीवी के सीईओ है गजल शाह साहब, मगर वो लेट हो गई थी, किसी प्रोग्राम में गई हुई थी, बहरहाल वो आ गई है और आपसे बातें करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन 1.5 घंटा हो गया आई हुई हूँ, लेकिन माशाल्लाह इवेंट इतना जबरदस्त, हाल हमारा फुल था, इसलिए मैं बाहर मेहमान कर रही थी। देखे जी, ये देखे ना, माशाल्लाह पूरी रात हम काम करते रहे, और अभी मैंने कहा अंदर गैदरिंग है और मैं बाहर बैठी हुई थी, मैं साथ साथ हुई हूँ, माशाल्लाह इवेंट अच्छा हो गया। क्यों आगा जी, खुश है ना आप? तो बस नहीं, लेट नहीं हुई, मैं तो टाइम पे पहुंची हुई, अभी एक फिर शादी पे जाना है मैंने। साथ भाई आपका शुक्रिया, और ये लाइट बंद के तेरा तो बहुत ही शुक्रिया, साथ भाई तो कमाल है, साथ मेरा जी आपका शुक्रिया, लाइट डालो दो मिनट के लिए यार, शहजाद आपका भी शुक्रिया, और जितने मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जिनका नाम नहीं ले रहा वो वही चिल्ला दे, मैं बता दूंगा नाम लेके। आज जनाब मुस्तफा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जंजीर की तरह से हमें बांध के रखा, और यह कि नेक्स्ट फिर करते हैं, और तमाम दोस्त अहबाब खुश आए खुश जाए। मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।